हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सरित क्लासेस। नाउ अभी तक हमने क्या किया है, जो हमारे जो मॉर्फो जो हमने स्टार्ट किया था उसके मोस्ट ऑफ जो चंक है वो हमने कर लिया है। और आज का हमारा टॉपिक कौन सा है, आज का टॉपिक है हमारा स्लोप डेवलपमेंट। ठीक है, और इस स्लोप डेवलपमेंट के अंदर हम क्या क्या चीजें आज सीखने वाले हैं, आज थोड़ा सा एजेंडा सेट कर लें अपना। देखिए, आज का जो हमारा एजेंडा है स्लोप डेवलपमेंट का, सबसे पहले हम देखेंगे ये टाइप कितनी होती है। ठीक है, जो स्लोप होता है कितने तरीके से बनता है, ठीक है, वो क्लासिफिकेशन देखेंगे। यानी कि सबसे पहले क्या आएगा, क्लासिफिकेशन आएगा। एक मिनट रुकिए, बिल्कुल सही चल रहा है, हाँ बच्चे सही पूछ रहे हैं। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देखेंगे कि कौन सी क्लासिफिकेशन होती है, जैसे कि आपके टेक्टोनिक, जिसको आप हाइपोजेनेटिक भी बोलते हैं, ठीक है, वो सारा मैं आपको क्लासिफिकेशन के तौर पे बता दूंगा अलग से। उसके बाद ऑब्वियस ही बात है डेविस के बारे में हम पढ़ेंगे कि डेविस ने किस तरीके से स्लोप बनता है वो बताया था। ठीक है, क्लासिफिकेशन, फिर उसके बाद WM डेविस। ठीक है, WM डेविस के बाद हम पढ़ेंगे पैंक। ठीक है, और पैंक के बाद अब सही समय आ गया है वुड ने, जो 1943 के अंदर अपने जो चार एलिमेंट दिए थे ना वुड साइकिल, वो। तो आज ये जो हम क्या करने वाले हैं, ये सारे टॉपिक्स हम क्या करेंगे, बहुत डिटेल में, बहुत गहराई में सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। लेकिन अरे कनेक्ट करना तो जरूरी बनता है ना, क्या करना जरूरी बनता है, कनेक्ट करना बनता है। देखिए, स्लोप आपको तब समझ में आएगा, इससे पहले एक टॉपिक आता है जिसको बोला जाता है लैंडफॉर्म डेवलपमेंट। क्या बोला जाता है, लैंडफॉर्म डेवलपमेंट। अब देखिए, इस लैंडफॉर्म डेवलपमेंट को आपको समझाने के लिए मैंने तकरीबन 12 दिन बहुत ही धीरे धीरे आराम आराम से डिटेल में आपको क्या करवाए, बहुत ऐसे हिडन टॉपिक्स हैं, अगर मैं डायरेक्ट लैंडफॉर्म करवाता नहीं समझ में आती। ठीक है, वो हालांकि होता है जीएस का पार्ट है, लेकिन ऑप्शनल में क्या होता है, उनका सीधा नाम लिया जाता है। अब ऑब्वियस ही बात है, जो विद्यार्थी अगर इन लेक्चर्स की तलाश करते हुए यहां तक आया, उनके वो बेसिक भी क्लियर नहीं होते ना। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या किया, लैंडफॉर्म डेवलपमेंट आपको समझाया। अब ये लैंडफॉर्म आपको समझ में आए, इसके लिए मैंने आपको क्या क्या चीजें सिखाई है, सबसे पीछे इसके लिए मैंने आपको क्या समझाया कि एक्सोजेनेटिक प्रोसेस क्या होती है, एंडोजेनेटिक प्रोसेस क्या होती है, ये मैंने बताया था आपको, बहुत बढ़िया आप रिकॉल कर पा रहे हैं। फिर मैंने आपको बताया था वोल्केनिज्म क्या होता है, ठीक है, वोल्केनिज्म के बारे में बताया आपको, बहुत सही रिकॉल कर। अरे भाई, ये जितने भी मैं यहाँ पे नाम लिख रहा हूँ ना, एक्सोजेनेटिक एंडोजेनेटिक, ये अपने आप में एक एक लेक्चर है भाई, बहुत डिटेल में करवाया जा चुका है। ठीक है, अब ये जो एक्सोजेनेटिक है एंडोजेनेटिक है, इनका बेस क्या बनाया था, इनका बेस क्या बनाया था, अर्थक्वेक, वोल्केनो। ठीक है, और जब वोल्केनिज्म के बारे में हम पढ़ रहे थे, इसके अंदर हमने इंट्रूसिव लैंडफॉर्म पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, अरे फेकोलेथ, बैकोलेथ, बैथोलेथ, इस तरीके की स्ट्रक्चर्स आपने पढ़ी थी ना, बोलिए बताइए की थी। इसके पहले और क्या किया था हमने, बताइए इससे पहले और क्या किया था। अच्छा, लैंडफॉर्म के हमने क्लासिफिकेशन ये भी तो की है कि जो लैंडफॉर्म है किस तरीके से बनता है, अलग अलग जो जियोमॉर्फोलॉजिस्ट है उनके अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे WM डेविस का क्या पॉइंट ऑफ व्यू था, अरे भाई रिवर जाती है किसमें, यूथ, मैच्योर एंड ओल्ड एज। ठीक है, यूथ, मैच्योर एंड ओल्ड एज, और यहां पे ट्रायल दिया था स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम, ये ट्रायल दिया था, और उसके अंदर से जो टाइम है, टाइम आगे जाता है यूथ, मैच्योर और ओल्ड एज, और इसके क्रिटिक के तौर पे कौन यहां पे आते हैं, पैंक। ठीक है, और ये हम कर चुके हैं। ठीक है, पैंक को काफी डिटेल में हमने पढ़ा था, क्यों फेल हुए थे, अरे लैंग्वेज बहुत टफ थी। आज भी हम करेंगे WM डेविस और पैंक को, आज भी करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा था, एलसी किंग के जो फिलोसफीज, मैं तो फिलोसफी बोलूंगा क्योंकि उनकी कोई ओरिजिनल नहीं थी, ये स्टूडेंट थे किसके, डिवीजन स्कूल के, वहां से कुछ सीखा, कुछ इनका पैंक का अच्छा लगा, और जैसे बोलते हैं ना, दलिया बना के दे दिया कि भाई ये मेरी अलग से थ्योरी, और इनकी थ्योरी पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक जगह लगती है, वो है साउथ अफ्रीका। ठीक है, उसके अलावा कहीं नहीं लगती है, कुछ कुछ अगर एरिया अगर आप थोड़ी सी और डिटेल में देखेंगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर आपको मिल जाएगा, क्योंकि इन्होंने साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में जाके स्टडी की थी, तभी जाके इन्होंने बोला कि ये मेरा क्या है, फुल प्रूफ प्लान है, और ये हर जगह लगेगा। ठीक है, यहां तक बताइए, ये था हमारा पास्ट। ठीक है, पास्ट मतलब ये हमने क्या किया, ये सारी चीजें अब तक हम कवर कर चुके हैं बहुत डिटेल में, और आज का हमारा मेन एजेंडा क्या है, हमारा मेन एजेंडा है क्लासिफिकेशन को समझना। ठीक है, कि स्लोप बेसिकली होता क्या है, अगर आप सिंपल सी डेफिनेशन देखेंगे स्लोप क्या होता है, जैसे ये मेरा घर है, मेरे घर से ना जैसे मैं निकलता हूं तो अरावली हिल्स है, उनकी पूरी मेरे को ना रेंज दिखाई देती है, तो अब मुझे वो रेंज दिखती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो रेंज दिख रही है वही सफिशियंट है,
कहने का मतलब क्या है, जो मेरा घर है ना वो भी जो अरावली है उसके स्लोप के ऊपर बना हुआ है, लेकिन ये स्लोप इतना बड़ा है पता ही नहीं चलता है कि भाई जो मेरा घर है वो स्लोप के ऊपर बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कभी गुड़गांव की तरफ जाएंगे, रेवाड़ी से गुड़गांव की तरफ जाइए, ठीक है, अगर आप राजस्थान साइड से हैं, आप जो NH-8 है अभी तो उसका NH-48 नाम हो चुका है, अब क्या करें वहां पे रह के आया हो तो NH-8 ही याद रहता है। तो जब आप जाएंगे ना आपको ऐसा लगेगा कि भाई एकदम स्लोप है स्लोप है। और फिर जैसे ही आप मानेसर के पास पहुंचेंगे यानी धारवाड़ा को क्रॉस करेंगे मानेसर की तरफ जाएंगे, फिर एकदम ऐसे ढलान आती है बिल्कुल, ऐसे ध्यान से देखना, तकरीबन जब वहां से नीचे जाते हैं ना वो अराउंड अराउंड आपको 30 डिग्री का ऐसे स्लेंट स्लोप मिलेगा, वहां पे इतनी ज्यादा ढलान आती है। अब यहाँ पे मैं किसकी बारे में मल्टीपल टाइम क्या बोल रहा हूँ, मैं स्लोप के बारे में बात कर रहा हूँ, यानी कि वर्ल्ड में आप किसी भी तरफ देखिए क्या मिलेगा आपको, स्लोप मिलती है। और सबसे बढ़िया एग्जाम्पल दूँ, अरे भाई घर में घुसने के लिए हमने क्या बना रखे हैं, रैंप बना रखे है ना, कुछ इस तरीके के हम अपने जो भी आपके घर होते हैं कार की एंट्री के लिए बाइक की एंट्री के लिए क्या बनाते हो, अरे स्लोप बनाया कि नहीं बनाया, बिना स्लोप के गाड़ी अंदर नहीं आती। इसी तरीके से यहाँ पे जो स्लोप हैं वो हमारी लाइफ को, जो नेचुरल स्लोप है वो हमारी लाइफ को बहुत इंपैक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर स्लोप का एंगल, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, स्लोप के एंगल की बात कर रहा हूँ, 10 डिग्री से ज़्यादा हो गया, इसके ऊपर ना तो वेजिटेशन होगी, वेजिटेशन नहीं तो ह्यूमन सेटलमेंट नहीं, ठीक है, जहां पे खेती की जा सकती है वहीं पे ही आपको क्या मिलेगी, ह्यूमन सेटलमेंट। और 10 डिग्री यानी कि इसके ऊपर वाली स्लोप के जो होती है ना, जैसे इससे ज्यादा खड़ी ढलान होगी तो वहां पे खेती पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, वहां पे अगर पानी दिया जाएगा ना वो बहुत ही जल्दी क्या हो जाएगा, रोल डाउन होकर नीचे आ जाएगा और अपने साथ क्या लेके आएगा, सेडिमेंट्स यानी कि इरोड करता हुआ आएगा जो भी मिट्टी है वहां पे। तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, बिल्कुल सही जवाब, यहां पे नो वेजिटेशन अगर 10 डिग्री से ज्यादा है। और एक और पॉइंट यहां पे आप रेक्टिफाई कर लीजिए, जैसे ही यहां पे स्टीप की बात की जाती है, स्टीपनेस यानी कि 40 डिग्री से ऊपर का, ठीक है, 40 डिग्री से ऊपर के जितने भी एंगल बनाती हैं वो आते हैं आपके सीधा स्टीप स्लोप के अंदर। अब ये हो गया बिल्कुल स्लोप को क्या किया हमने, बिल्कुल गहराई में, गहराई में तो क्या देखा है? हमने एक थोड़ा सा ओवरव्यू लिया एक डेफिनेशन के तौर पे, यानी कि वर्ल्ड में क्या आपको देखने को मिलता है, डोमिनेंट जो पॉइंट ऑफ व्यू है किसका, स्लोप का, इनको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। स्लोप किस तरीके से बनते हैं, या तो अंदर से आने वाले फोर्सेस की वजह से या फिर जो बाहर से फोर्सेस अप्लाई होते हैं यानी कि जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती है उससे ये फोर्सेस बन सकते हैं। इन्हीं टेक्टोनिक एक्टिविटीज को क्या बोला जाता है, एंडोजेनेटिक बोला जाता है। क्या मैं इसको साफ करके उधर अच्छे से बना दूं, चलिए मैं एक बार इसको यहां से क्लीन करके ना इधर बना देता हूं ये सारी चीजें, ताकि आपको मैं एक बहुत ही मजेदार एक फ्लो चार्ट प्रोवाइड कर दे। चलिए ये हो गया साफ, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा था यहां पे, जो स्लोप है, अच्छा स्लोप यहां से मिट गया, चलिए कोई बात नहीं, मैंने दोबारा से लिख देती है। सबसे पहला है टेक्टोनिक स्लोप, नाम से ही क्लियर है टेक्टोनिक स्लोप। और दूसरा नाम क्या है इसका बताइए, एंडोजेनेटिक, या फिर इसको हाइपोजेनेसिस भी बोला जाता है, ठीक है। अब हमारी जो कोर्स ऑफ डिस्कशन है, कोर्स ऑफ स्टडी होगी, उसके अंदर ये हमारे काम का नहीं है, ठीक है, ये हम नहीं करते हैं। हमारा जो मेन काम का है, क्योंकि अभी हम क्या कर रहे हैं, बाहर आ गए हैं, किससे, जो पहले जो हम फोर्सेस के बारे में पढ़ाई कर रहे थे वो थे अंदर की, अब हम कौन से फोर्सेस की बात कर रहे हैं, जो बाहर लगता है, बाहर वाले को क्या बोलते हैं, अरे एक्सोजेनेटिक, ठीक है, एक्सोजेनेटिक, इसको एपिजन भी बोला जाता है, ठीक है, इसका दूसरा नाम एपिजन भी है, वो भी मैं लिख देता हूं। अब देखिए जो है एपिजन टाइप ऑफ जो प्रोसेस लग रहा है या फिर आपका एक्सोजेनेटिक लग रहा है, इसके अंदर दो चीजें हो सकती हैं। किस तरीके से, ये जो मार्कर है, या तो मैं इसको इस तरीके से घसता जाऊं इसके ऊपर, क्या होगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसका साइज छोटा हो जाएगा, या फिर मैं कहीं से एक मार्कर ला के डिपोजिट कर दिया, ठीक है, ये मान के चलो मेरा हाथ है, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये लाके मैंने एक मार्कर यहाँ पे रख दिया, क्वांटिटी बढ़ी, चलिए मैंने दूसरा मार्कर यहाँ पे लाके रख दिया, धीरे धीरे क्या देख रहे हो, अरे ये है डिपोजिशनल टाइप ऑफ, मैंने एक और मार्कर रख दिया, और फिर मैंने क्या किया, तीन मार्कर और लाके रख दिए,
तो अब आपको क्या देखने को मिल रहा है मेरे हाथ में, अरे लेयर बाय लेयर बाय लेयर बाय करके क्या हो गई है, मार्कर्स की मेरे हाथ में लाइन लग गई है। तो यानी कि दो तरीके के होते हैं, एक तो हो गया डिपोजिशनल, ठीक है, और एक हो गया एग्रेडेशनल। एग्रेडेशनल का मतलब हो गया छोटे छोटे हिस्सों में टूट के अलग हो जाना, ठीक है। तो यानी कि हमने क्या देखा, 10 डिग्री का होना चाहिए स्लोप, ताकि वहां पे मींस 10 से कम होना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमम 10, ठीक है, उससे ऊपर ना तो वेजिटेशन होगी, वेजिटेशन नहीं तो वहां पे जो सॉइल है वहां पे मड फ्लो के आपको कंडीशन देखने को मिलेगी। मैं बताता हूं मड फ्लो क्या होता है, ये क्या आपके एक हिल को डिपेक्ट कर रहा है। मान लीजिए यहां पे कोई वेजिटेशन उगाई गई है, अब इस वेजिटेशन की वजह से होगा पता क्या, ये वाली सॉइल हो जाएगी लूज, और फिर ये अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी क्या करेगी, फ्लो करना स्टार्ट कर देगी। इस वजह से यहां पे क्या होगा, ना तो कोई घर बन सकता है, अगर घर भी बनाना वो भी फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। दिखाऊंगा मैं, कुछ पिक्चर्स मैंने लगाई हुई है, ठीक है, घर भी फ्लो करना स्टार्ट कर दिया, वेजिटेशन कहां यहां पे अंडे देगी, वो भी तो फ्लो करेगी ना, क्योंकि भाई उनकी रूट्स इतनी ज्यादा गहरी नहीं होती है। गहरी कैसे करेगी रूट, मतलब जो भी वेजिटेशन वहां पे होगी, नीचे तो आपकी रॉकी टाइप की वो है, क्या है रॉकी टाइप की, जो क्या बोलते हैं स्लोप है, नीचे क्या है पत्थर है, उनको तो तोड़ नहीं सकती रूट, वो बात अलग है। अगर कंसिस्टेंट वहाँ पे अगर जो पेड़ पौधे हैं उनके जनरेशन टू जनरेशन आती रही, नीचे डिग्रेडेशन होता है, ठीक है, तभी तो वहाँ पे मिट्टी देखने को मिल रही है। यहाँ तक बताइए, ये क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमारा जो मेन जो टॉपिक है वो हमारा कौन सा रहेगा, हम बेसिकली ये जो तो पॉइंट है ना, डिपोजिशनल और एग्रेडेशनल, इनकी बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि जो डब्ल्यू एम डेविस का जो पहला स्टेज है, डब्ल्यू एम डेविस का पहला स्टेज है यानी कि यूथफुल स्टेज, उसमें क्या कहेगा, एग्रेडेशनल हो रही है, ठीक है, किस तरीके की, जो यहाँ पे उसमें जो पास्ट में जो हमने लैंडफॉर्म देखा था उसमें तो विशे वैली बोल रहे थे, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, स्लोप का एंगल स्टीप होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस आपको याद रखना है, क्योंकि देखिए तकरीबन सारे कंसेप्ट सेम है, बस ये छोटा सा फर्क आ जाता है, ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो चलिए अपना एक बार स्क्रीन के ऊपर आप ध्यान से देखिए क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहां पे एक बंदा आपको नीचे फिसलता हुआ दिख रहा है, ये नीचे क्यों आ रहा है बताइए, किस लिए, कौन सी पावर इसको नीचे खींच के लेके आ रही है। अरे भाई एक ही तो सिंपल सी पावर है, इसको स्लोप की वजह से ग्रेविटी अट्रैक्ट कर रही है। इसके पीछे जो पहाड़ दिख रहा है वो देखिए एक बार, उसकी स्लोप कैसी है, अरे वो भी तो नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है। तो आज का हमारा मेन एजेंडा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, स्लोप के बारे में बात करेंगे। देखिए पेडमेंट क्या होते हैं, जो पहाड़ होता है ना उसके जो नीचे बॉटम यानी जहां उसके पैर होते हैं, ठीक है, उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे, ठीक है। फिर होता है इंसेलबर्ग, इंसेलबर्ग मास मूवमेंट और बैडलैंड, ये बेसिकली सारी किस चीज की हैं। अब हमने ये तो देख लिया स्लोप होता क्या है, ठीक है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अरे भाई स्लोप को पढ़े क्यों, स्लोप को पढ़े क्यों, आपने डिजास्टर मैनेजमेंट जीएस के अंदर कंप्लीट कर लिया है, नहीं किया है, चलिए कोई बात नहीं, बताता हूं होता क्या है। देखिए जो डिजास्टर मैनेजमेंट है ना आपका, जो जैसे आपका एनडीआरएसी यानी कि जो नेशनल लेवल पे जो आपकी फोर्स है और एक स्टेट लेवल पे फोर्स होती है, उसका मेन काम क्या है, वो ये जानना चाहते हैं कि कहीं पे लैंडस्लाइड, लैंडफॉर्म या फिर सॉइल क्रीप या फिर मड फ्लो या फिर मास मूवमेंट कहां पे होगा और क्यों होता है वहां पे, ठीक है। डिजास्टर को मैनेज करने के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि सॉइल का फ्लो कहां पे हो रहा है, सॉइल हाँ मूव करती है भाई, सॉइल फ्लो, सॉइल क्रीप, फिर उसके बाद मास मूवमेंट सबसे डेंजरस होता है लैंडस्लाइड, जो कि एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है, टनों जो एक पहाड़ होता है ना जिसका वजन टन होता है वो एक ही सेकंड में पूरा का पूरा नीचे मूव कर जाता है। दिखाऊंगा मैं आपको पिक्चर्स लैंडस्लाइड। अब देखिए जो आपकी एनडीआरएस की टीम है जिसका मेन काम क्या है कि यहाँ पे जो डिजास्टर हो गया उसको जो लॉसेस हैं चाहे वो इकोनॉमिक लॉस हो चाहे लाइफ लॉस हो उसको मिनिमल तक जितना उसको उतना कम करना, तो उनको ये पता होना चाहिए, मतलब ये जानकारी उनके पास होनी जरूरी है कि जो यहाँ पे पहाड़ हैं वहाँ पे क्या प्रोमिनेंट है,
ठीक है, क्या वहां पे लैंडस्लाइड प्रोमिनेंट है या फिर सॉइल फ्लो प्रोमिनेंट है या फिर मास मूवमेंट प्रोमिनेंट है। और जब आप इन चीजों की बात करते हैं ना, इनमें से ये कोई भी नहीं बताता कि क्या प्रोमिनेंट है, इनमें से कोई भी ये नहीं बताता कि क्या प्रोमिनेंट है। तो ये सिर्फ वो सिर्फ एक थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है। अगर आप इनकी बात करेंगे कहां पे, जीएस लेवल पे इनका कोई काम नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शनल पार्ट का हिस्सा है। इसमें आपको बस थ्योरीज पता होने चाहिए, जो हम अभी दो मिनट में आपको क्या करने वाला हूं, बताने वाला हूं। देखिए, डब्ल्यू एम डेविस की यहां पे बात करने से पहले सबसे पहले आपको क्या समझना होगा, वुड के चार एलिमेंट। अब आप बोलेंगे सर पिछले लेक्चर में भी तो करवाया था, लेकिन यहां पे एक ट्विस्ट है, वुड के चार एलिमेंट बताइए। अच्छा मैंने करवा दिया था ना, बताइए चार एलिमेंट कौन से हैं। मैं यहां पे बनाता हूं, मुझे नाम बताइएगा किसका क्या है, नाम बताइए बताइए बताइए, किस एलिमेंट का क्या नाम है। बिल्कुल सही जवाब, चार एलिमेंट आपने भी बना लिए हैं परफेक्टली। ये है आपका एलिमेंट वन, जिसको कॉन्वेक्सिटी बोला जाएगा, ठीक है। जब हम स्पेसिफिकली अब वुड की बात कर रहे हैं ना, तो वुड के द्वारा दिए गए शब्दों को यूज करेंगे हम, कॉन्वेक्सिटी। ये है आपका फ्री फेज, इसको फ्री फेज क्यों बोला जाता है, क्योंकि भाई ये मुफ्त में आता है ना, ये चेहरा मुफ्त में आता है। अरे भाई फ्री फेज इसलिए बोलते हैं, इसके ऊपर कोई सेडिमेंट रुकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पे स्लोप बहुत ज्यादा है। और वो आके कहाँ रुकेगा, जो ये रेक्टिलिनियर स्लोप है ना, रेक्टिलिनियर स्लोप, यहाँ पे आके क्या होगा, डिपोजिट होते जाएंगे। और यहाँ पे आपकी क्या बह रही है, नदी बह रही है, जिसने क्या किया हुआ है, इरोड किया हुआ है। अगर आप इसको बिल्कुल एक इस तरीके से यहाँ पे ऐसे बनाएंगे ना, तो एक बना तो बिल्कुल बेकार है, लेकिन फिर भी आप समझ जाएंगे कि ये जो एक यू शेप, जिसको हम कॉनकेव बोलते हैं ना, ये तो है आपका कॉन्वेक्सिटी और ये है आपका कॉनकेव स्लोप। यहाँ से आपकी नदी बह रही है, जो भी बड़े पार्टिकल हैं रेक्टिलिनियर से लुढ़क के नीचे जाएंगे, वो नदी अपने साथ क्या करेगी, भाग के ले जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, अब ट्विस्ट ये है कि एज पर वुड क्या बोला जाता है, कि जो भी यहाँ पे माउंटेन होंगे उसका टॉप कैसा होगा, उसका टॉप होगा कॉन्वेक्सिटी। लेकिन ये एक जगह लागू नहीं होता, वो है आपके डेजर्टिक कंडीशन, क्योंकि डेजर्टिक कंडीशन के अंदर जो पहाड़ मिलते हैं उनके मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं, वो होते हैं हार्ड क्रिस्टलाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये शब्द लिख लेना, अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। हार्ड क्रिस्टलाइन होते हैं, जिसकी वजह से उनके टॉप ऐसे मिलेंगे, ठीक है। अगर आपसे इंटरव्यू के अंदर ये पूछा गया है कि जो आपके डेजर्टिक कंडीशन के अंदर जो माउंटेन है वो ऊपर से फ्लैट क्यों मिलते हैं, बताइए वो फ्लैट किसलिए मिलते हैं, क्योंकि वो बने हैं हार्ड क्रिस्टलाइन मॉलिक्यूल के, और कॉन्वेक्सिटी वहां पे डेवलप नहीं हो पाती, ठीक है। कॉन्वेक्सिटी बनती कैसे है, जब हम यहाँ पे डेविस के उसके अंदर जाएंगे ना डिटेल में, तब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा कि कॉन्वेक्सिटी कैसे डेवलप होती है, ठीक है। तो यहां तक देखिए, हमने क्या क्या चीजें अभी तक कर ली है, हमने सबसे पहले स्लोप को डिफाइन किया। स्लोप क्या होता है, 10 डिग्री का एंगल, ठीक है, जहां पे हम रह सकते हैं। वैसे तो वो 10, 20, 30, 40 तक जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि भाई इसको क्यों पढ़ते हैं, ताकि डिजास्टर मैनेजमेंट में, जैसे सॉइल फ्लो, सॉइल क्रीप, मास मूवमेंट, लैंडस्लाइड, इनको क्या कर सके, हम स्टडी कर सके, कहां कौन सा इवेंट क्या होने वाला है प्रोमिनेंट, उसके हिसाब से क्या करें, हम अपनी पूरी प्लानिंग बनाएं। इसके बाद हमने डेविस को स्टार्ट करना था, लेकिन उससे पहले मैंने आपको क्या इंट्रोड्यूस कर दिया है, पैंक, क्या नाम है इनका, डेव, अरे भाई वुड्स, वुड्स ने अपने चार एलिमेंट दिए थे 1943 में, वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। अब देखिए डब्ल्यू एम डेविस ने क्या बोला है, डब्ल्यू एम डेविस ने सिंपल सी वही चीज़ें दोबारा उठा के बोली हैं, कि भाई जो मेरा जो ये थ्योरी है, मीन्स जो यहाँ पे स्लोप डेवलपमेंट होगा, इसके अंदर तीन स्टेज होंगे, यूथ, मैच्योर एंड ओल्ड एज। बताइए कौन सी, यूथ, मैच्योर एंड ओल्ड एज। अरे भाई अब तो नींद में भी कोई बोलता होगा ना डेविस के तीन एलिमेंट, यूथ, मैच्योर एंड ओल्ड एज, तो आप क्या करते होंगे, एकदम फटाक देसी आंसर कर देते होंगे, बताइए यस और नो। तो साथ के साथ अब हम क्या करते हैं, अपने इसमें भी बढ़ते हैं, ये बताइए, ये क्लियर हो गया, व्हाट इज स्लोप, स्लोप का प्रोसेस क्या होता है, टाइप्स कितने होती हैं स्लोप के, एलिमेंट क्या क्या होते हैं, समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया तो यहाँ पे चलिए, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको क्या करता हूँ, डिटेल में लेके जाता हूँ। द एंगल विच एनी पार्ट ऑफ अर्थ सरफेस मेक विद हॉरिजॉन्टल, बताइए ये सिंपल सी डेफिनेशन समझ में आई कि नहीं आई। स्लोप किसको बोला जाता है, ये हॉरिजॉन्टल पार्ट है, इस पे अगर कोई भी स्लोप
कोई पर्टिकुलर एंगल बना रहा है, मतलब कोई भी लैंडफॉर्म क्या बना रहा है, एक एंगल बना रहा है किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, क्या कहलाएगा वो, स्लोप कहलाएगा। अगर मैं यहाँ पे इतनी देर से कह रहा था 10 डिग्री, वो ये है, ठीक है, ये तो 45 डिग्री से ऊपर का है ये, ठीक है, 45 डिग्री से ऊपर का ये स्लोप है ये। अब यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन में आपको क्या दिख रहा है, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इसके अंदर नीचे जो ऑरेंज कलर में है वो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, जहां पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आके मिलते हैं वो क्या कहलाया इनका, बिल्कुल सही जवाब, वही है स्लोप। सिंपल सी भाषा में समझ में आ गया। अब देखिए स्लोप का प्रोसेस क्या है, स्लोप बेसिकली क्यों बनता है। चलिए मैं अपने आपको उठा के ना कहीं और बिठाता हूँ, एक मिनट रुक जाइए, यहाँ पे ठीक है, ठीक है, अपने आपको मैं छोटा कर लेता हूँ। अब देखिए स्लोप बनने का प्रोसेस क्या है, एक ट्राइंगल देखिए, ट्राइंगल के सबसे टॉप पे क्या लिखा है, अरे वाटर, वाटर के नीचे क्या लिखा है, आइस, आइस के बगल में क्या है, हवा, ठीक है, ये तीन एजेंट है जब ये मिलते हैं, प्लस में ग्रेविटी क्या करती है, नीचे खींच के ले आती है, जो यहाँ पे क्या होते हैं सेडिमेंट टूटते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आप यहाँ पे गौर कीजिएगा बोर्ड के ऊपर होता क्या है, यहाँ पे हमने क्या क्या चीजें ली हैं ट्राइंगल के अंदर, सबसे ऊपर हमने लिखा वाटर, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिखा है, आइस, ठीक है, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिखा है, हवा। अब ये काम कैसे करेंगे डिटेल में अगर आप जाके देखें ना, तो ये हो गया क्या, माउंटेन ब्लॉक लेके चल रहा हूं मैं कुछ इस तरीके से, ठीक है, जब भी दिन का समय होता है पानी होता है लिक्विड स्टेट में, रात के समय क्या होती है, मतलब जो टेम्परेचर होता है बहुत नीचे चला जाता है, तो पानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बर्फ में या फिर सॉलिड स्टेट में। तो मान के चलिए यहाँ पे एक छोटा सा क्रैक डेवलप हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा क्रैक डेवलप हुआ है, पानी यहाँ पे भर गया, ठीक है, पानी क्या हुआ यहाँ पे भर गया। अब धीरे 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 होगा क्या, ये क्रैक बड़ा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, बिल्कुल इस तरीके से। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना, ये जो पूरा पोर्शन है, यहाँ से पूरा जो पोर्शन है ये टूट के गिर जाएगा। कैसे गिरेगा देखिए स्क्रीन के ऊपर कैसे गिरेगा, ये नीचे आप लुढ़कता हुआ दिख रहे हैं, बिल्कुल इस तरीके से टूटता हुआ नीचे आ रहा है, ठीक है, यही है, यानी कि इरोजन हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन हुआ है और डिपोजिशन हुआ है। ये तीन चीजें समझ में आई, स्लोप के प्रोसेस के अंदर तीन चीजें कौन सी है, इरोजन जिसको वेदरिंग भी बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन जिसको मास मूवमेंट बोला जाता है, डिपोजिशन जिसमें छोटे छोटे पत्थर आके कहीं पे क्या होते हैं सेटल हो जाते हैं। बताइए यहां तक क्लियर हो गया। अब ये टाइप कितने प्रकार के होंगे यहां पे स्लोप बताइए। सबसे पहला आपको क्या दिख रहा है, सबसे पहला आपको जेंटल स्लोप दिख रहा है। जेंटल स्लोप पता है किसको बोलते हैं, 1 किलोमीटर 5 किलोमीटर तक जो जमीन है, ठीक है, उसकी झुका, मतलब यहाँ पे अगर स्लोप है वो 1 डिग्री से भी कम, 0.1 डिग्री, वो होगा आपका जेंटल स्लोप, ठीक है, वो क्या होता है जेंटल स्लोप। उसके बाद दूसरे नंबर पे दूसरे तरीके का होता है स्टीप स्लोप, ठीक है, ये क्या हुआ स्टीप स्लोप, यानी कि 40 डिग्री से ऊपर का सारा आ जाएगा स्टीप स्लोप के अंदर। उसके बाद देखिए इसके बाद आता है तीसरा जिसको बोला जाता है कॉन्वेक्स स्लोप। क्या बोला जाता है कॉन्वेक्स स्लोप, एक मिनट रुकिए, यहां पे अगर आप स्क्रीन पे देखें ये जो हमने बनाया है, ये जो हमने क्या बनाया ब्लॉक बनाया, चलिए इसको कर देते हैं कन्वर्ट किसके अंदर, कॉन्वेक्स स्लोप के अंदर। ये लीजिए ये हो गया कॉन्वेक्स स्लोप के अंदर कन्वर्ट, ये देखिए ना बन गया ना कॉन्वेक्स स्लोप, समझ में आ गया किस तरीके से एक फ्लैट सरफेस कॉन्वेक्स के अंदर कन्वर्ट होती है। सिंपल सा कुछ नहीं है, जो इसकी एजेस होती हैं इरोड हो जाती हैं और ग्रेविटी उसको खींच कर नीचे ले आती है, जो कि आपने ये लास्ट जो पिक्चर आपको दिख रही है ना इसके अंदर मैंने आपको दिखाया था। अब आप आगे देखिए दूसरा कौन सा स्लोप होगा, दूसरा होगा कॉनकेव स्लोप। ये पता कैसे बनता है, अब देखिए यहां से एक ये नदी आ रही है, यहां से एक क्या आ रही है ये नदी आ रही है, नदी पता क्या करेगी इसको नीचे से काटना स्टार्ट करेगी, इरोड करती जाएगी करती जाएगी करती जाएगी करती जाएगी। तो ये ऐसा नहीं है इधर से हो रहा है, अरे भाई इधर से भी तो साथ के साथ प्रोसेस जारी है ना, तो लास्ट में कैसा बचता है कुछ इस तरीके की स्लोप बचती है, ठीक है, यहां से आपकी ये नदी बह रही है, इधर से भी नदी बह रही है, अब बीच में जो ये पोर्शन बच गया इसको बोला जाता है वाटर डिवाइड। बताइए क्या बोला जाता है, वाटर डिवाइड, बताइए समझ में आ गया यहां तक। चलिए आगे फिर दोबारा स्क्रीन पर, अरे कहाँ गया, हाँ ठीक है, अभी तक हमने दो देखे हैं, एक तो है जेंटल दूसरा है स्टीप, ठीक है, फिर है कॉन्वेक्स
फिर है कॉनकेव। अब तीसरा आ गया डिपोजिशनल, तीसरा हो गया डिपोजिशनल, यानी जहां पे नदी हुई क्या खत्म होती है, ठीक है, जहां पे नदी होती है एंड वहां पे उसके द्वारा लाया गया सारा सेडिमेंट डिपोजिट कर दिया जाता है। कैसे, देखिए ये नदी आ रही थी, इसने क्या किया, इसको इरोड करके इस शेप तक ले आई। अब भाई ये जो पहाड़ तोड़ा कहां गया, लास्ट में जो इसका लास्ट स्टेज है वहां पे क्या करेगी, डिपोजिट कर देगी, ठीक है। ये सारे मैं एक बैकग्राउंड तैयार कर रहा हूं डेविस का जो कंसेप्ट है उसको समझाने के लिए, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद आता है टेक्टोनिक स्लोप, ठीक है। टेक्टोनिक स्लोप क्या होता है, एकदम से पूरा का पूरा पहाड़ ऊपर आ जाता है, ठीक है। 6 नंबर पे देखिए आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। तो टाइप ऑफ स्लोप समझ में आ गया, प्रोसेस आपको समझ में आ गया और स्लोप क्या होता है वो समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ सभी बच्चे यहाँ पे थम्स अप कर रहे हैं, सबको अच्छे समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। चलिए अब मैं अपने आप को थोड़ा सा यहाँ पे करता हूँ साइड में। हाँ अब देखिए जो यहाँ पे हमने क्या बनाया था, एक डायग्राम बनाया था ना थोड़ी देर पहले, एग्जैक्ट ऐसा ही डायग्राम मैंने आपके लिए यहाँ पे तैयार कर दिया है। देखिए क्या दिख रहा है आपको, आइडियल हिल स्लोप प्रोफाइल कैसी होती है, कॉनकेव, ठीक है, फिर उसके बाद फ्री फेज, फिर उसके बाद रेक्टिलिनियर, फिर उसके बाद बेजल कॉनकेविटी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है अब जो टाइप ऑफ स्लोप है, ठीक है, जेंटल स्लोप और स्टीप स्लोप, ये इनकी जो पर्टिकुलर लोकेशन है ना टोपोग्राफी के अंदर, जो हम मैप स्टडी करते हैं, जो क्या बोलते हैं किस तरीके का मैप होते हैं जहाँ पे पूरे पहाड़ों की पूरी लोकेशन होती है। अब देखिए आपको दो तरीके के यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, जो सबसे पहली फोटो है उसके अंदर क्या दिख रहा है आपको, एक प्लेन ढलान दिख रही है, लेकिन उसके नीचे वाले में क्या दिख रहा है, पहले एक ढलान बनी है, फिर एक सीढ़ी नुमा, फिर ढलान, फिर सीढ़ी, फिर इसको बोलते हैं स्टेप्स, क्या बोलते हैं स्टेयर केस टाइप ऑफ, ठीक है। नेक्स्ट अब ये आता है जेंटल स्लोप, जो अभी मैंने बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको समझा दिया, यहाँ पे मैंने उसके लिए क्या दे दिया आपको, डेफिनेशंस प्रोवाइड कर दिया, आप उसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए। स्टीप स्लोप देख लीजिए एक बार, ठीक है, कॉन्वेक्स स्लोप, ठीक है, कॉन्केव स्लोप किस तरीके से डेवलप होता है ध्यान से इसको देख लीजिए। उसके बाद डिपोजिशनल कैसे होता है, एग्जाम्पल हो गया जैसे आपका एलुवियल फैन, फिर उसके बाद कोन डेल्टा, फिर सैंड ड्यून्स, ठीक है। एक मिनट मैं यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे बैकग्राउंड में आपको ये सारी चीज़ें क्लियर दिख रही है। चलिए आगे बढ़े, ओके। इसके बाद आता है टेक्टोनिक टाइप, टेक्टोनिक टाइप में कौन से होंगी, अरे होस्ट बनता हुआ दिखाई देगा आपको, ग्रेबन बनता हुआ दिखाई देगा, और यहाँ पे जो फोल्ड माउंटेन है, हमने क्या देखा था फोल्ड माउंटेन, आप इसको क्या करते जाइए, प्रेस करते जाइए करते जाइए, क्या बन गए यहाँ पे, ये स्लोप बन, ये स्लोप बनता हुआ दिख रहा है ना, इसी को बोला जाता है टेक्टोनिक टाइप ऑफ, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके बाद आपके स्टार्ट होते हैं नी पॉइंट, ठीक है, और पिडमेंट, ये सारे मैं बताऊँ किस में आते हैं, जो रिवर रिजुबिनेशन पार्ट है ना उसके अंदर, ये सारी चीज़ें मैं आपको ना ये ऑलरेडी कवर करवा चुका हूँ, याद आया, एक मिनट रुकिए। अब देखिए स्लोप के एलिमेंट, ये जो अभी मैंने आपको चार एलिमेंट बताए थे ना, ये एग्जैक्ट वही स्लोप, मतलब वही एलिमेंट है ये, ठीक है, बस यहाँ पे क्या है थोड़ा सा नाम अलग है, एक तो हमने देखा था कॉन्वेक्स, फिर उसके बाद देखा था फ्री फेस, फिर उसके बाद हमने देखा रेक्टिलिनियर, फिर उसके बाद देखा हमने कॉनकेविटी, ठीक है, सिंपल सी ये वही है बट डिफरेंट डिफरेंट नाम से हैं। जैसे आप सविंदर सिंह के बुक पिक करेंगे उसमें आपको अलग नाम से मिलेगा, और बहुत से यहाँ पे आपको बुक्स मिलेंगे जैसे स्टॉलर, उसके अंदर आपको डिफरेंट नेम्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उनका क्या किया है, कोलैबोरेशन आपको प्रोवाइड कर दिया ताकि कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अब देखिए जो लास्ट ये जो डायग्राम था ये क्या था, सिर्फ आपको नाम समझाने के लिए कि किसका क्या नाम है। अब इन रियलिटी कहाँ पे ये स्ट्रक्चर्स आपको मिलेंगे, ठीक है, ध्यान से देखिए क्या है आपको दिख रहा है, इसमें फ्री फेस दिख रहा है, बहुत बढ़िया, फिर एक ढलान सी दिख रही है जिसके अंदर एक आपको क्या दिखने को मिल रही है, कंटिन्यूटी दिखने को मिल रही है कि छोटे 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 सेडिमेंट आते जा रहे हैं नीचे, तो ये क्या है आपका रेक्टिलिनियर, ठीक है, क्रस्ट क्लेफ तालूस, ये इसका क्या है एक अल्टरनेट नेम है। देखा जो नी पॉइंट था वो मैंने आपको बताया था ना, ये किससे रिलेटेड है, नी पॉइंट का जो कंसेप्ट है वो रिलेटेड है, जो ऊपर से नीचे झरने आते हैं ना वो। अब ध्यान से देखिए सबसे ऊपर क्या दिख रहा है आपको, एक झरना दिख रहा है जो नीचे गिर रहा है,
और जहाँ पे झरना गिरता है ना, वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है, एक डिप्रेशन क्रिएट हो जाता है। कैसे? ये क्या है, एक माउंटेन है, ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है, पानी फ्लो हो रहा है, पानी जब सीधा नीचे आके गिरेगा तो क्या होता है, इधर एक डिप्रेशन क्रिएट होता है, यहाँ से मड या फिर जो भी सैंड होती है उठ के क्या होती है, यहाँ पे जमा हो जाती है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बन जाता है, एक छोटा सा तालाब बन जाता है। ठीक है, नहीं समझ में आया, कभी एक काम करना, मोटर चलाना, उसके आगे पाइप लगाना और पाइप को सीधा ना मिट्टी के ऊपर सीधा आप छोड़ेंगे ना, तो थोड़ी देर बाद आप क्या देखेंगे, वहाँ से पूरी मिट्टी हो चुकी है रिप्लेस और वहाँ पे क्या बन चुका है, एक गड्ढा बन चुका है। ठीक है, ये घर के ऊपर, घर पे रह के भी आप ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, नी पॉइंट समझ में आ गया। अब इसके आगे ये आपको क्या है, बोर्ड के ऊपर थोड़ा ध्यान देना है अभी। ठीक है, बोर्ड के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो डायग्राम्स दिखाने थे वो मैंने आपको दिखा दिए हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे थे, डेविस की बात कर रहे थे। डेविस ने सबसे पहले क्या क्या अजम्पशंस लिए वो देखना जरूरी है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको एक लाइव पिक्चर दिखाना जरूरी थी कि भैया एक्चुअली दिखते कैसे हैं ये जो स्लोप हैं, जो अभी तक हमने इतनी बात की है ना, ये एक्चुअली दिखते कैसे हैं, वो आपको शो करना जरूरी था, वो मैंने आपको शो किया है। चलिए अब अपने काम को थोड़ा सा स्पीड अप करते हैं। देखिए, जो डब्ल्यू एम डेविस की थ्योरी है उसको क्या बोला जाता है, स्लोप डिक्लाइन थ्योरी। बताइए क्या बोला जाता है, स्लोप डिक्लाइन थ्योरी। अब इसके अंदर जो डब्ल्यू एम डेविस है वो पता क्या बोलते हैं, अरे भाई जो स्लोप है वो आज थोड़ी ना बना है, उसके पीछे बहुत क्या है, हिस्टोरिकल इवेंट्स। यानी कि यहाँ पे इस थ्योरी के अंदर डेविस क्या बताने की कोशिश करते हैं, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट। ठीक है, क्या बताने की कोशिश करते हैं, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट। ओके, स्लोप डिक्लाइन थ्योरी। ठीक है, अच्छा डेविस नहीं, लिख लीजिए यहाँ पे, लिख लीजिए ऑफ डेविस। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हमें क्या देखना है, सबसे पहला पॉइंट जहां पे फोकस किसके ऊपर है, फोकस है जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है। ठीक है, हिस्टोरिकल एस्पेक्ट, और ये बताया गया है जो स्लोप है वो क्या होगा, डिक्लाइन होता जाएगा। और यहाँ पे फिर हमें क्या लेनी है, अजम्पशंस लेनी है कि क्या क्या अजम्पशंस यहाँ पे पिक की गई हैं। सबसे पहले अजम्पशंस बताइए क्या है, बताइए सबसे पहले अजम्पशंस, एनी स्लोप, कोई भी स्लोप किन तीन स्टेजेस से होके गुजरेगा, यूथ, मैच्योर एंड ओल्ड एज। ठीक है, ये जो डेविस है वो हर जगह पे अपने इस कंसेप्ट को लेके चलेगा। ये इन्फ्लुएंस किससे है, डार्विन से इन्फ्लुएंस है। डार्विन ने अपनी एक थ्योरी दी थी, ठीक है, उस थ्योरी का कंप्लीट इम्पैक्ट किसके ऊपर देखने को मिल रहा है, जो यहाँ पे डेविस ने अपनी अलग से एक थ्योरी दी है ज्योग्राफी के अंदर, और वो थ्योरी आई थी बायोलॉजी के अंदर, अगर और स्पेसिफिक जाएंगे तो बॉटनी के अंदर है वो। ठीक है, यूथ, मेच्योर एंड ओल्ड एज। फिर उसके बाद बताइए, यहाँ पे यूथ एंड यूथ यहां तक पहुंचने के बाद अब क्या स्टार्ट होगा, इरोजन स्टार्ट होगा। ठीक है, यहां तक पहुंचने के बाद हो गया इरोजन स्टार्ट, और हर एक स्टेज के ऊपर क्या मिलेगा, बिल्कुल अलग अलग इवेंट देखने को मिलेगा। सबसे पहला जो आपका यूथफुल स्टेज है, यूथफुल स्टेज के अंदर क्या यहाँ पे डोमिनेंट होगा, यूथफुल स्टेज के अंदर सबसे बड़ा जो डोमिनेंस आपको देखने को मिलेगा इरोजन, और इसकी वजह से क्या होगा, जो स्लोप है, ठीक है, एंगल ऑफ स्लोप, जो स्लोप का एंगल है, एंगल ऑफ स्लोप विल इंक्रीज। ठीक है, एंगल ऑफ स्लोप क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। फिर अच्छा, ये एंगल ऑफ स्लोप कैसे इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर हो रहा है वर्टिकल डाउन कटिंग। क्या हो रहा है, वर्टिकल डाउन कटिंग इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद वर्टिकल डाउन कटिंग के बाद कौन सी स्टेज आएगी, यहां पे मास मास मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा ऊपर वाला। ठीक है, इसमें आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद जो मैच्योर स्टेज है, मैच्योर स्टेज के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, लैटरल इरोजन। ठीक है, लैटरल इरोजन, और इसके अंदर जो डाउन वेस्टिंग है वो भी साथ के साथ चलती रहेगी। और इन दोनों के अंदर ना एक चीज यहां पे देखिए क्या कॉमन है,
इधर ये बोला गया है जो एनर्जी है यहां पे, जो एनर्जी रिक्वायर्ड है किसके लिए, इरोड करने के लिए, वो है ज्यादा। ठीक है, एनर्जी ज्यादा है यहां पे, इसी वजह से यहां पे क्या देखने को मिल रहा है, वर्टिकल डाउन कटिंग देखने को मिल रहा है। और यहां पे अब क्या देखने को मिल रहा है कि जो एनर्जी का लेवल है, जो एनर्जी का लेवल है वो इक्वल टू किसके हो चुका है, ट्रांसपोर्टेशन के। अब ये एनर्जी मतलब कि क्या, अरे भाई जब पानी ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करता है उसके पास क्या होती है, एनर्जी होती है। किसकी वजह से, ग्रेविटी उसको क्या कर रही है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, और इसी प्रोसेस के बिटवीन वो क्या करती है, इरोड करती भी जाएगी। सेम यही कंसेप्ट हमने कहाँ पे पढ़ा था, लैंडफॉर्म डेवलपमेंट में, और यही हम देख रहे हैं स्लोप डेवलपमेंट के अंदर। ठीक है, एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा है तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे, डीप कट्स देखने को मिलेंगे, यानी कि जो स्लोप का एंगल है वो मैक्सिमम देखने को मिलेगा। दूसरे में क्या होगा, एनर्जी बराबर हो जाएगी ट्रांसपोर्टेशन। इसका मतलब क्या, जितना इरोड हो रहा है उतना रिमूव हो रहा है, तो यहाँ पे लैटरल इरोजन आपको देखने को मिल रही है। और लास्ट वाला जो है आपका ओल्ड एज, इसके अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखने को मिलेगी, डिपोजिशन। ठीक है, ज़्यादा कुछ टिपिकल नहीं है, ये समझ में आ गया तो अभी आपको पैंक भी समझ में आएगा। हाँ, ख़त्म हो गया ये, और इसमें कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि देखिए अगर नेगेटिव की बात करें, सेम वो के वो नेगेटिव उठा के आप इसके अंदर लिख दीजिए जो पहले आपको मैंने लिखवाए थे। सबसे पहला नेगेटिव क्या, या फिर आप कंक्लूजन के तौर पर क्या लिख सकते हैं, या चलिए पहले मैं नेगेटिव बता देता हूँ। नेगेटिव में आप यही लिखेंगे कि भाई इसके अंदर यूथ मैच्योर एंड ओल्ड एज नॉट पॉसिबल। फिर उसके बाद अगर ये पूरी प्रोसेस फॉलो होगी तो इसके लिए क्या चाहिए, क्रिस्टल स्टेबिलिटी चाहिए, जो हमारी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। ठीक है, उसके थ्रू हमें पता चल गया कि इतने लंबे लेवल पे क्या नहीं होती, यानी इतने लंबे पीरियड तक क्या नहीं होती, क्रिस्टल स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी। तो ये हो गया यहाँ पे ख़त्म। अगर आप इसकी क्या बात करें कंक्लूजन के तौर पे, WM डेविस की थ्योरी टेक्निकली राइट नहीं है लेकिन पढ़ने के लिए बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ में आ जाती है। तो यहाँ पे होता है हमारा WM डेविस ख़त्म। अब देखिए यहाँ पे पैंक का क्या आता है, टर्न आता है। अब पैंक भाई साहब क्या बोलते हैं, पैंक बेसिकली क्या है, जियोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, पैंक कौन है, जियोलॉजिस्ट हैं। एक मिनट, मैं कैमरे में नहीं आ रहा, अब आ गया, बहुत बढ़िया। ठीक है, कौन सा एरिया मिस हो गया, एक मिनट मुझे देखने दीजिए। ओके, ये जंसन्स का ये पूरा दिख रहा है ना। ओके, तो यहाँ पे जो पैंक है, पैंक क्या बोलते हैं, एक तो सबसे पहले थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं। ये जियोलॉजिस्ट हैं और इनका जो मेन जो वर्क था वो था इनकी खुद की मदर टंग, यानी कि जो इनकी जर्मन लैंग्वेज थी उनके अंदर, उसी लैंग्वेज के अंदर इन्होंने अपने काम को क्या किया था, राइटअप अपना पूरा प्रोवाइड किया था। अब उसकी वजह से हुआ क्या, जर्मन लैंग्वेज में यहाँ पे अपना पूरे राइटअप देने की वजह से, जो इनके द्वारा दिए गए राइटअप में एक जगह इन्होंने वर्ड यूज़ किया था, पैरलर रिट्रीट इन इनिशियल स्टेज। ठीक है, ऐसा इन्होंने लिखा था, मैं डायग्राम में बता के दिखाऊंगा अभी। लेकिन यहाँ पे जब हुई ट्रांसलेशन उसको कर दिया क्या, बिल्कुल गलत। इसके अंदर क्या किया गया, स्लोप रिप्लेसमेंट और पैरेलल रिट्रीट दोनों एक साथ होते हुए बता दिए, जिसकी वजह से पूरी थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया। लेकिन 1970s के अंदर क्या हुई, इसकी दोबारा से स्टडी हुई, दोबारा से इसको क्या हुआ, गहराई में पढ़ा, तो पता चला नहीं, जो इन्होंने बताया था बिल्कुल सही बताया था। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया कि जो सबसे पहले का स्लोप होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे स्लोप, ये अभी मैं स्लोप को क्या करूँगा, अब इसके शेप को चेंज करता हुआ जाऊँगा। ठीक है, स्लोप क्या करता है, धीरे धीरे अपने आप को चेंज करता है। अगर आप गौर कर रहे हैं, ये स्लोप किसकी तरफ मूव किया है, यहाँ पे बिल्कुल प्लेन से ये मूव कर गया है कॉन्वेक्सिटी के अंदर। ठीक है, ये तो ये है इनका पहला। ठीक है, यानी कि जो भी स्लोप होगा किसके अंदर फोल्ड होगा, सबसे पहले कन्वेक्सिटी के अंदर, यानी कि जो इसके ऊपर का जो नियर बाय के जितना भी एरिया है वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, डेनुडेट या इरोड, जो भी आप शब्द यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये मिटा दूं। चलिए, क्या रिपीट करना है, डेविस का साइकिल। अरे बहुत सिंपल है, डेविस ने क्या बोला कि सबसे पहले इन्होंने क्या लिया, अपनी अजम्पशंस ली, अजम्पशंस बता दिए मैंने आपको। फिर उसके बाद इनकी क्या होती है, स्टेज 1, 2, 3 यही आती है बेसिकली, यूथ मैच्योर एंड ओल्ड एज। यूथ के अंदर क्या होगा, यहाँ पे डाउन कटिंग होगी। ठीक है, यूथ के अंदर क्या देखने को मिलेगा, डाउन कटिंग होगी, क्योंकि एनर्जी है ज़्यादा, जिसकी वजह से जो स्लोप है, ठीक है, एंगल हो जाएगा क्या, ज़्यादा, और स्लोप हो जाएगा स्टीप। ठीक है, उसके बाद क्या इनिशिएट होगा, दूसरा कौन सा, मैच्योर, मैच्योरिटी में होगी लैटरल इरोजन, यानी कि डाउन वेस्टिंग के साथ साथ ये अपने दोनों तरफ क्या करती जाएगी, इरोड करती जाएगी। अब ऐसा क्यों होगा,
ज़्यादा नीचे गहराई में कट क्यों नहीं जाएंगे, क्योंकि एनर्जी बराबर हो चुकी है ट्रांसपोर्टेशन के, ठीक है। ओल्ड एज में एनर्जी बची नहीं है, तो क्या देखने को मिलेगा डिपोजिशन, यहाँ पे हो गए हैं डेविस के द्वारा दिए गए कंसेप्ट का खात्मा, ठीक है। चलिए ये कंप्लीट समझ में आ गया। अब इसके बाद हम किसकी बात कर रहे थे, हम ये बात कर रहे थे पैंक की। पैंक ने क्या बताया था बताइए, अभी तक जो जो चीज़ें समझ में आई है रिकॉल कीजिए एक बार। ये डायग्राम में जो भी रेज कर रहा हूँ कुछ समझ में आया था इसमें, कोई बात नहीं मैं दोबारा फिर बता देता हूँ आपको। ठीक है, करें अपने काम को फिर दोबारा स्टार्ट। ओके, तो यहां पे पैंक ने क्या बोला कि जो भी स्लोप होगा, ठीक है, स्लोप क्या होगा, सबसे पहले वो जो स्ट्रेट है, स्ट्रेट किस में कन्वर्ट होगा, अगर इसको मैं एक मार्किंग लेके चलूं, जो स्ट्रेट स्लोप है वो क्या होगा, रिप्लेस होना स्टार्ट होगा। किससे रिप्लेस होगा, यानी कि कुछ इस तरीके से, और एट द लास्ट ये कॉन्वेक्सिटी के अंदर क्या हो जाएगा, ये स्लोप हो जाएगा रिप्लेस, ठीक है। अब इनके द्वारा बताए गए पूरे कंसेप्ट को लाइन बाय लाइन बताने की बजाय मैं एक पुनरा बढ़िया सा डायग्राम बना देता हूँ, ताकि आप उस डायग्राम से बहुत अच्छे समझ पाएंगे, ठीक है। अब वो डायग्राम क्या है देखिए, ये डॉटेड लाइन क्या शो कर रही है बताता हूं अभी। देखिए एज पर पैंक ये क्या है, फाइनल पार्ट, ठीक है, ये क्या है, फाइनल पार्ट। अब आगे बताते हैं इसके बाद क्या होगा, ये धीरे धीरे ना इरोड होता जाएगा, किस तरीके से, ये जो डॉटेड पार्ट है ना ये शो कर रहे हैं कि ये पार्ट क्या हो रहा है, इरोड होता जा रहा है। बताइए यहां तक क्लियर, ये मैंने दे दिया है पॉइंट ए और बी, और ये जो पॉइंट है इसको मैंने दे दिया है बी डैश नाम, ठीक है। अब देखिए ठीक है, तो यहां पे आपने क्या देखा, ये था पूरा ओरिजिनल, जो ऊपर वाला जो डॉटेड पार्ट है ना, ये हो गया आपका ओरिजिनल स्लोप, ठीक है, और ये नीचे वाला क्या हो गया, बेसल स्लोप। तो इसको बी को अगर हम यहां पे लिखें तो भी ज्यादा सही रहेगा, ठीक है, बी डैश है, तो ये हो गया बेसल स्लोप। बताता हूं क्या होता है, ये सबसे ऊपर वाला है ओरिजिनल स्लोप, उसके नीचे वाला है बेसल स्लोप, ठीक है, नहीं ये फिर इधर ही ठीक था, यही ठीक है, बी डैश, ठीक है। और अब ये बचा है आपका जो ओरिजिनल स्लोप है, ठीक है, यानी कि ओरिजिनल स्लोप क्या हुआ, यहां से इरोड होते हुए इधर तक बचा है, यानी कि अगर मैं ये यहां पे अगर बी लेता हूं, स्टार्ट कहां से हुआ था, ए और बी से स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब जो यहां पे एंड पार्ट है, यानी कि जो हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, उसके अंदर क्या है, बी, यानी कि अगर आप ये लेके चले ए बी डैश, यानी कि एक बीच वाला पार्ट आ गया ना, क्योंकि ये जो मैंने एकदम सीधी बनाई है, अगर आप एक्चुअली देखेंगे ना तो ये इस तरीके से ऐसे बनती है, ये यहाँ पे एक पॉइंट आता है, ठीक है, ये जो बी डैश वाला पॉइंट है इधर आएगा, क्लियर। दोबारा से बताता हूँ, ये सबसे पहले क्या था, एक कंप्लीट यहाँ पे प्लेन रेक्टेंगुलर स्लैब मान के चलिए। अब ये रेक्टेंगुलर स्लैब ना हो के क्या है, एक पूरा पहाड़ है, ठीक है, हिल है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो ओरिजिनल जो क्या थी यहाँ पे सरफेस थी, यानी जो ओरिजिनल पार्ट था, जो ओरिजिनल स्लोप था, जिसको हमने यहाँ पे मार्किंग की है, लेके चल रहे थे हम कौन सा पॉइंट, ए और बी, लेकिन टाइम के साथ क्या हुआ, ये इरोड होता गया, ठीक है, टाइम के साथ साथ क्या हो रहा है, इरोड हो रहा है। पहले जो था ए बी, अब वो कन्वर्ट हो चुका है ए बी डैश, बी बी डैश, ठीक है, ये आप अगर याद हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो बस आप इतना समझिए, यहाँ पे जो पहले दो पॉइंट थे बीच में क्या आ चुका है, एक बैंड आ चुका है, ठीक है, बस इतना आप याद रखिए। अब आपके दिमाग में सवाल क्या आ रहे होंगे, आपके दिमाग में ये सवाल आ रहे होंगे, सर ये तो फिर एक पैरेलल रिट्रीट को शो कर रहा है, ठीक है, और आपने तो ये बोला कि पैंक ने कभी पैरेलल रिट्रीट की बात नहीं की, लेकिन उसके डायग्राम में क्या आ रहा है,
पैरेलल रेट आ रहा है, ये तो क्या हो गया भाई, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। बिल्कुल सही जवाब आपका, सब जो क्वेश्चन है बिल्कुल सही है। यहाँ पे पैंक ने इनिशियल स्टेजेस में क्या बोला कि पैरेलल रिट्रीट होगी, ठीक है, कौन से स्टेजेस में, इनिशियल स्टेज, ये इनिशियल स्टेज है, अभी से स्लोप बना नहीं है, ठीक है। इनिशियल स्टेज में क्या हुआ, जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो पैरेलल रिट्रीट हो रहा है, ठीक है। अब ये जो पोर्शन है ये पूरा क्या हो जाएगा, हटता जाएगा। अब जो फाइनल जो स्टेज आएगी, मैं फाइनल स्टेज का डायग्राम भी आपको बना के देता हूं कि जो फाइनल स्टेज है वो कैसी बनेगी, ठीक है, जो फाइनल आंसर है वो भी आप देखते चलिए, वो बनेगा कुछ इस तरीके से। ये आप चाहें तो अपने एग्जाम में भी ये डायग्राम जरूर ड्रॉ कीजिएगा। अब देखिए हमने क्या देखा था, पहले ये मूव होना स्टार्ट हुआ, तो सबसे पहले हम ये ही बना लेते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो हमने यहाँ पे क्या किया है, पैरलर रिमूव करना स्टार्ट किया ना, अब ये बनाते हैं, थोड़ा सा इसको और सीधा कर लेते हैं। एग्जैक्टली यहां से भी आपको लेके चलना है, ठीक है। बहुत कुछ है इसमें अभी से बताने को, बस आप थोड़ा सा ये जो डायग्राम अभी हमने स्टार्ट किया है इसको समझिएगा, ठीक है। अब देखिए ये जो यहां पे हमने क्या बनाया है, एक डायग्राम बनाया है, उसकी जो फाइनल रेप्लिका है वो आपको यहां पे देखने को मिल रही है। ये फाइनल स्टेज है, यानी कि फाइनल प्रोडक्ट है, आपको क्या देखने को मिलेगा, स्लोप की तौर पे ये वाला हिस्सा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जो ऊपर वाला पार्ट है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसको क्या बोला गया, बॉश चुंगे, ठीक है, क्या बोला गया, बॉश चुंगे। और जो ये नीचे वाला पार्ट है इसको क्या बोला गया, हैडल हैंग, ठीक है, इसको क्या बोला गया, हैडल हैंग। अरे भाई बॉस हमेशा ऊपर होता है ना, तो बॉश चुंगे, ठीक है, इस तरीके से याद कर ले कर सकते हैं। इसको एक और नाम भी दिया गया है, ग्रेविटी स्लोप, ठीक है, इसका एक और नाम है ग्रेविटी स्लोप, ठीक है। हाँ ये डायग्राम आप चाहें तो बना लीजिए, अगर नंबरिंग मैं देखता हूँ इसको, 1 1 2 2 3 3 4 4, मतलब समझ गए ना, वैसे नंबरिंग होनी तो चाहिए बाहर से अंदर की तरफ, लेकिन ठीक है जो बनाया है वो भी ठीक है, डायग्राम बना लीजिए वहाँ पे। डेविस का भी बना के दूँ ये डायग्राम, ठीक है, डेविस का भी बना के दे देते, पहले आप ये ड्रॉ कर लीजिए। देखिए बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैं दोबारा से बताता हूँ, इनिशियल स्टेजेस के अंदर पैरेलल रिट्रीट होगा एज पर द थ्योरी ऑफ पैंक, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पैरेलल रिट्रीट होगा इनिशियल स्टेजेस में। जब भी आप ये लिखें ना, पैरेलल रिट्रीट ब्रैकेट में आपको जरूर लिखना है, इन इनिशियल स्टेज ओनली, क्योंकि अगर आपने पैरेलल रिट्रीट लिखा और ब्रैकेट में ये नहीं लिखा ना, इट मीन्स आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि जो यहाँ पे फॉल्टी ट्रांसलेशन हुई ना, उसमें पैरेलल रिट्रीट पूरे फेज में बताया गया है, ठीक है। पहले आपने ये लिख दिया, इन इनिशियल स्टेज देर विल बी अ पैरेलल रिट्रीट, लेटर ऑन इट विल बी फॉलोड बाय द स्लोप डेवलपमेंट इन विच बॉस चुंगे विल बी रिप्लेस बाय हैडल हैंग, ठीक है, ये सिंपल सी पूरी थ्योरी है। हाँ बस ये थ्योरी खत्म हो गई है। वैसे अगर आप अगर पूरा राइटअप देखें ना, जो टेक्निकल लैंग्वेज में अगर आपको पूरे 250 शब्दों के अंदर लिखना है, वो मैं किताब के अंदर बता दूंगा क्या क्या आपको पढ़ना होता है, ठीक है। अभी मैंने बोला क्या, बताता हूँ, सबसे पहले पैरेलल रिट्रीट हो गई, फिर उसके बाद ये स्लोप बन गया। अब ये जो स्लोप है, ठीक है, किसकी यहाँ पे आपको अमाउंट ज़्यादा देखने को मिल रही है, वर्थ यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रही है, किसकी, बॉस चुंगे की, ऊपर वाला पार्ट, ये बॉस चुंगे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे छोटा सा देख रहे हैं आप ये, और ये हेडल हैंग है यहाँ पे, ठीक है। वैसे जो ये मार्किंग मैंने यहाँ तक की है ना, वो पूरा ही आप हेडल हैंग लेके चल सकते हैं। बिटा दूँ फिर, अगर डेविस का भी आपको चाहिए तो फाइनल डायग्राम, हाँ कर दो, चलिए डेविस का मैं वो वाला डायग्राम दे रहा हूँ जो आपको जो एग्जाम है ना उसमें बनाना है, क्योंकि जो दूसरा डायग्राम है बुक के अंदर जो दिया हुआ है उसमें 3 स्टेज अलग अलग दिखा रखी हैं। एग्जाम में बनाओगे कम से कम 2 मिनट लग जाएंगे उसको, फिर कम से कम 30 सेकेंड अगर आपकी स्पीड बहुत बढ़िया है लेबलिंग में लग जाएगी, तो इतना वक्त हमें देना नहीं है। जो बिल्कुल 30 सेकेंड के अंदर डायग्राम बन जाए आपका, मैं आपको वो प्रोवाइड कर देता हूँ ताकि आपका काम बन जाए, ठीक है। क्योंकि देखिए एग्जामिनर सिर्फ ये चाहता है
कि एक बेहतर आंसर जो आपकी प्रेजेंटेशन है उसको बनाने के लिए जो जो आंसर में होना चाहिए एक तो वो लिखे प्लस में डायग्राम के साथ उसको बना के दिखा दे, शो कर दे, तो आपका क्या जो वर्क है बहुत ही आसान हो जाता है। बिल्कुल इस तरीके से क्या बना लीजिए आप एक रिप्रेजेंटेटिव तौर के, ये आपने क्या बना दी वी शेप वैली, ठीक है। यहाँ पे आपके क्या लिखेंगे इनिशियल स्टेज, अरे भाई प्रॉपर बनाइए प्रॉपर, ये है इनिशियल स्टेज, ठीक है। स्टेज वन हो गई आपकी, अब इसके बाद ये क्या होगा नीचे नीचे जो स्लोप है यहाँ पे ध्यान रखिएगा स्लोप लिखना है, लैंडफॉर्म मत लिख देना, स्लोप आया स्लोप के बारे में बात करनी है। ये स्लोप क्या होगा नीचे और ज़्यादा क्या हो जाएगा स्टीप होता जाएगा, ये स्लोप और हो गया क्या स्टीप हो गया ज़्यादा। इसके बाद बताइए क्या स्टार्ट होता है, लैटरल इरोजन स्टार्ट होता है, ठीक है। ये लीजिए क्या स्टार्ट हो गया लैटरल इरोजन, ये लीजिए स्टार्ट हो गया ना लैटरल इरोजन। और जो फाइनल है अगर आपके पास दो पेन हो, वैसे तो अमूमन ब्लैक और ब्लू ही होता है, रेड पेन से मत बनाना नहीं तो आपके सारे नंबर और सारी करी कराई मेहनत पानी में फिर जाएगी, ठीक है। पूरे डायग्राम में बस आपको ये बनाना है, वी शेप कोई मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बस ये बता दीजिए ये इनिशियल स्टेज है और ये है फाइनल स्टेज, ठीक है, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। ये क्या मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए डायग्राम आपको लग रहा है कि अरे सर इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, नहीं बना लीजिए। ये डब्ल्यू एम डेविस है, उसका आंसर के अंदर जो आपके एग्ज़ाम होंगे ना मेंस में उसमें आपको ये डायग्राम बनाना है ताकि आपका काम जल्दी हो जाए। अदरवाइज तीन डायग्राम है, अगर आपके पास बुक है तो मैं आपको साथ के साथ बुक में करवा दूँ, डेविस करवा दिया मैंने, पैंक करवा दिया है, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, बुक बता देता हूँ कौन सी है जो अभी आपको रेफर करनी है, ये वाली बुक है, पेज नंबर आप आ जाइए कौन से पे, पेज नंबर है 267, ठीक है, पेज नंबर है 267। उसके अंदर देखिए जो सबसे पहला जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ना स्लोप डिफाइन एज एंगुलर इंक्लिनेशन, ये आप पता कहाँ से कहाँ तक आप अंडरलाइन कीजिए, ये इंट्रोडक्शन में बता रहा हूँ, अगर आप चाहें तो इंट्रोडक्शन यहाँ से पूरा उठा सकते हैं, अगर आप अपने शब्दों के अंदर और बेहतर इंट्रोडक्शन बना सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, आप वो भी बना सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक आपको अंडरलाइन करनी है एज ए इंट्रोडक्शन लिखिए, स्लोप डिफाइंड एज एंगुलर इंक्लिनेशन ऑफ इंट्रीन बिटवीन हिल टॉप्स एंड वैली बॉटम, ठीक है। इसके बाद बॉटम के आगे लिखा है कॉमा, रिजल्टिंग फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी कंजर्वेटिव फैक्टर लाइक अ जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, क्लाइमेट, वेजिटेशन कवर, ड्रेनेज स्ट्रक्चर, ड्रेनेज टेक्चर एंड फ्रिक्वेंसी, ठीक है। यहाँ तक आप इसको रोक लीजिए, यह आपका पूरा किस में आ जाएगा, इंट्रोडक्शन में आ जाएगा, ठीक है। हाँ जो अभी मैंने बताया ना पेज नंबर 267, वो आप जो अभी कितनी पहली एक दो तीन चार पाँच पांचवी जो लाइन है फ्रीक्वेंसी तक वहाँ तक आप इसको स्टॉप करके ये पूरा हो जाएगा आपका इंट्रोडक्शन के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये जो पूरा पैराग्राफ खत्म हो रहा है नीचे देखिए तीन चार लाइनें दिख रही हैं, टू टर्म रिलेटेड टू स्लोप दैट इज़ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन एंड इंक्लाइंड सरफेस, ये एक बार आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। जो पॉइंट थोड़े टिपिकल थे हार्ड जो बोलते ना कि टफ थे पढ़ने पे भी नहीं समझ में आते वो मैंने आपको दिए बोर्ड के ऊपर समझा अभी से, तो अरे भाई ये भी तो पेंडिंग है, ये देखिए ये भी तो पेंडिंग है, मैंने बताया था ना इनको समझाने के लिए पहले बोर्ड के ऊपर देखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ स्लोप आता है पेज नंबर 268 के ऊपर, ठीक है। इसके अंदर कॉन्वेक्स, फ्री फेस, रेक्टिलिनियर, कॉन्केव, ये सारे यहाँ पे अलग अलग पॉइंट दिए हुए हैं, अगर आपको किसी भी पॉइंट के बारे में ज़्यादा जानना है या पूरा पढ़ सकते हैं, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक। इसके अंदर देखिए स्लोप एलिमेंट में आपको अलग अलग लिखे हुए मिल रहे हैं, कॉन्वेक्सिटी, फिर उसके बाद है फ्री फेस, फिर उसके बाद रेक्टिलिनियर, और यहाँ पे अलग अलग डायग्राम यहाँ पे शो किए गए, मैं इन डायग्राम्स की बात कर रहा हूँ, ये वाले जो डायग्राम है ना, ये वाले डायग्राम ये क्या कर रहे हैं आपको अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी सी क्या करेंगे, आपको हेल्प प्रोवाइड करेंगे कि किस तरीके से कौन से डायग्राम को कैसे समझना है, ठीक है। ज़्यादा टफ नहीं है, देखिए एक बार आप लेक्चर को देखिए फिर उसके बाद किताब को देखिए, सारी चीज़ें बहुत आसान होती हैं। डेब्री स्लोप बता दिया है आपको, पेज नंबर 269 किसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये हो गया आपका
पेज नंबर 269, इसके नीचे ये एक अलग से पहरा स्टार्ट है। यहाँ पे अब मैं कुछ आपको जो लाइनें हैं वो अंडरलाइन करवा रहा हूँ, एक बार देखिएगा। ऊपर से जो यहाँ पे लिखा ना क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट स्लोप, यहाँ से आप छोड़ के आइए, एक दो तीन चार, चौथी लाइन, चार लाइन छोड़ दीजिए। उसके बाद जो पांचवी लाइन है उसमें देखिए, जो पांचवी लाइन है स्टार्ट हो रही है, इट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल, ठीक है, ये काम का नहीं है हमारा, यहाँ से स्टार्ट कीजिए। द एस्कार्पमेंट ऑफ बांडर प्लेट्यू, ठीक है, और ये जो आपका डायग्राम है फिगर नंबर 3.8, उसके अंदर आप ये देखिएगा। प्रेजेंट अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ आइडल हिल स्लोप प्रोफाइल कंसिस्टिंग ऑफ ऑल फोर स्लोप एलिमेंट बट समिशियल कॉन्वेक्सिटी इज नॉट वेल डब, ठीक है, ये आप एक बार एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको अंडरलाइन करवा दिया, भांडार प्लेट्यू, ठीक है, ओके। पेज नंबर 269 डन हो गया। अब आइए पेज नंबर 270। पेज नंबर 270 के ऊपर ये जो डायग्राम दिया हुआ है ना, ये वाला डायग्राम इजी है, आसान है, एक बार सेल्फ स्टडी करके आप एक बार समझ लीजिएगा इसको, ठीक है। कैसे आप ए बी सी, ये क्या है कि जितना भी हमने पढ़ा है ना उसको थोड़ा सा डिटेल में दिया है। डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोजिट स्लोप, ठीक है, ये मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिया है जेनेटिक क्लासिफिकेशन के अंदर, टेक्टोनिक स्लोप, इरोजनल स्लोप और स्लोप ऑफ एक्यूमुलेशन, सिंपल भाषा में डन हो चुका है। अब आता है पेज नंबर 271 के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ अभी। यहाँ पे लेवल ऑफ जेंटल स्लोप, ये एक अलग से कहाँ है, हाँ, ये जो डायग्राम, ये जो पैराग्राफ है पेज नंबर 271, ये मैं एक बार आपको पढ़ के बताता हूँ। देखिए, लेवल ऑफ जेंटल स्लोप, सबसे जो इनिशियल पार्ट है 0 डिग्री से 0.5, ठीक है, ये है लेवल स्लोप। उसके बाद आपका आता है ऑलमोस्ट लेवल स्लोप, यानी कि 0.5 से 1, ये है आपका ऑलमोस्ट लेवल। फिर है जेंटल स्लोप 1 से 2 डिग्री का, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, अरे वेरी जेंटल, जेंटल आता है आपका 2 से 5 के बीच में, इधर तक ठीक है। हमारी जो बोलते हैं ना कि रिहाइस, यानी कि जो पॉपुलेशन जहाँ पे सेटल होती है वो होती है मॉडरेट स्लोप तक आपको देखने को मिलती है, यानी कि 5 डिग्री से 10 डिग्री तक के ढलान पे आपको ह्यूमन सेटलमेंट देखने को मिलती है। उसके बाद मॉडरेटली स्टीप स्लोप, कब से कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, अरे 10 से 18 तक ही आपका ये जो मॉडरेटली स्टीप स्लोप स्टार्ट हो जाता है, कितने से, 10 से 18, डन। इसके बाद आपका आता है स्टीप स्लोप, देखिए 18 से 30 में आ जाता है आपका स्टीप स्लोप, तो 18 से 30 है आपका स्टीप, तो उसके ऊपर क्या होगा, अरे वेरी स्टीप, जो होता है 30 से 45 के बीच में, ठीक है, ये अलग अलग पूरी डेफिनेशन दी हुई है कितने डिग्री के एंगल को क्या कौन से पोर्शन में डालेंगे। अच्छा मुझे ये बताइए, 22 डिग्री का स्लोप किस में आएगा, बताइए बताइए बताइए, 22 डिग्री का स्लोप किस में आएगा, बिल्कुल सही जवाब, स्टीप के अंदर 18 से, अभी मैंने आपको मार्क करवाया ना, ये देखिए फिफ्थ नंबर पे लिखा हुआ है 18 से 30 के बीच का, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद देखिए अप्रोच टू द स्टडी ऑफ स्लोप डेवलपमेंट, ठीक है, सबसे पहला आता है स्लोप एवोल्यूशन अप्रोच, जो कि डेविस की है, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद प्रोसेस फ्रॉम अप्रोच, ओके, यहां पे देखिए पेज नंबर 270 की मैं बात कर रहा हूं। पेज नंबर 270 के अंदर सबसे नीचे देखेंगे ना, एक पूरा बड़ा सा पैराग्राफ लिख के आया है नीचे ना, ये लास्ट की चार लाइनें देखिए। अकॉर्डिंग टू एडवोकेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम थ्योरी, टाइम प्ले नो सिग्निफिकेंट रोल इन द स्लोप डेवलपमेंट बिकॉज द प्रोसेस इज टाइम इंडिपेंडेंट एंड स्लोप प्रोसेस प्ले मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल इन देयर डेवलपमेंट, ठीक है, थोड़ा सा इसको समझिए, पढ़िए, सिंपल सी चीज़ें हैं, ऑलरेडी मैं आपको 3 से 4 बार करवा चुका हूँ, ये आप अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए सवाल आता है ना इससे रिलेटेड आपका स्लोप एवोल्यूशन, ये आप कंक्लूजन के तौर पे इसको लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है प्रोसेस फॉर्म अप्रोच, इसमें जो ये लिखा हुआ है ना, इट इज़ बेस्ड ऑन द कंसेप्ट दैट देर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन स्लोप टाइप एंड स्लोप फॉर्म, से लेकर के यहाँ तक आप लिखिए जो पहली चार लाइनें हैं, दूसरे ये देखिए मैंने अभी आपको ये अभी पढ़ के बताया, ये इसके बाद ये जो पहली चार लाइनें ना, कहाँ गया मेरा, था ये पहली जो चार लाइनें हैं ये आपको अंडरलाइन करनी है, ठीक है, ये पैरा खत्म बता देता हूँ कहाँ से कहाँ तक आपको लिखना है। एक्टिव ऑन स्लोप प्रोफाइल से लेकर के नीचे आप आएंगे रॉक टाइप क्लाइमेट कंडीशन, बस यहाँ तक आप लिख लीजिए,
इसके बाद आएगा जो अगला पैराग्राफ है, दिस अप्रोच ऑल्सो सफर फ्रॉम द डिफिकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स। अब ये अगर आप चाहें ना, जो पहला पॉइंट है इसको अगर आप और बेहतर से देखें ना, तो ये आपको पेज नंबर 281 के ऊपर आपको ये अच्छे से आपको डिफाइन करता हुआ मिलेगा आपको ये, ठीक है। पेज नंबर 281 में अगर आप देखेंगे ना, ये नीचे ये वाला पैरा आप कनेक्ट करके देखिएगा पेज नंबर 270 को पेज नंबर 281 के साथ जोड़ के देखना है, जोड़ के पढ़ना है, तब समझ में आएगा, ठीक है। और इसके अंदर पॉइंट टू पूरा पढ़ना है, पेज नंबर 272 की बात कर रहा हूँ अभी मैं, ठीक है, पूरा करना है, थ्री पूरा करना है, फोर कंप्लीट करना है, ठीक है, ओके। हाँ, उसके बाद ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये पेज नंबर 273, इसके अंदर आपका क्या आता है, क्लाइमेटिक यूनिफॉर्मेटिज्म, ये एलसी किंग का है, सेल्फ स्टडी है क्योंकि एग्जाम में आता नहीं है। उसके बाद है मोनो प्रोसेस कंसेप्ट, कर लीजिएगा, यह सिंपल है, मोनो मतलब सिंगल। फिर आता है पॉली प्रोसेस, पॉली प्रोसेस मतलब एक से ज्यादा प्रोसेस उसके ऊपर लगे हैं, ठीक है। हाँ, अगर वैसे आते नहीं है ये मोनो प्रोसेस और पॉली प्रोसेस, चाहें पढ़ सकते हैं आप इनको। फिर है मॉडल ऑफ स्लोप एवोल्यूशन, जो आप यहां पे डायग्राम देख रहे हैं ना, ये मैं उसी की ही बात कर रहा हूं, ठीक है। पेज नंबर 276 एग्जैक्ट यही डायग्राम आपको देखने को मिल रहा है पेज नंबर 276 पे, जो मैंने अभी आपको दिखाया ना सबसे ऊपर वाला, यही आपको ऐसे डायग्राम देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर देखिए क्या क्या आपको कौन सी थ्योरी है, स्लोप डिक्लाइन थ्योरी डेविस की, फिर उसके बाद है स्लोप रिप्लेसमेंट थ्योरी पैंक की, फिर उसके बाद है पैरेलल रिट्रीट थ्योरी एलसी किंग की, ये तीनों इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक जाती है, ये पेज नंबर 277 से स्टार्ट होती है, और ये तीन डायग्राम जो मैं आपको बता रहा था ना कि आपकी किताब के अंदर आते ही हैं, ये देखिए ये डायग्राम ऑलरेडी इस बुक के अंदर है, और अब ये वाला डायग्राम देखिए, ये तीन डायग्राम है, इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिएगा कैसे बनाना है इनको। डन, वेरी गुड। इसके बाद अगर आप देखें ये नेक्स्ट जो पेज है ना, पूरा एक यहाँ पे अलग से ये डायग्राम बनाया हुआ है, कोई जरूरी नहीं है इसको पढ़ने का, ठीक है। इसके बाद अगर आप आएंगे स्लोप रिप्लेसमेंट थ्योरी ऑफ पैंक, स्लोप रिप्लेसमेंट थ्योरी ऑफ पैंक, ये आप जो पहला पैरा है पूरा पढ़ लीजिए, और लास्ट की जो दो लाइनें हैं वो पढ़ लीजिएगा, ये जो स्लोप रिप्लेसमेंट थ्योरी ऑफ पैंक की। फिर उसके बाद पेज नंबर 279 पे ही है ये स्लोप रिप्लेसमेंट थ्योरी। इसके बाद देख रहे हैं आप प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्म्स, सबसे पहला है डिग्री ऑफ रिडक्शन ऑफ रेगुलिथ, फिर उसके बाद है मोबिलिटी ऑफ रेगुलिथ, फिर उसके बाद है थिकनेस ऑफ रेगुलिथ, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट है, सिर्फ सिंगल रीडिंग के लिए ही है ये। रेगुलिथ मतलब पत्थर की बात हो रही है यहाँ पे, रेगो वैसे उसको भी बोलते हैं, चट्टान को। फिर उसके बाद है प्रॉपर्टी ऑफ प्रोसेस, रिडक्शन डेनुडेशन समझ में आता है, डेनुडेशन हाइट कम होना, रिडक्शन मतलब छोटा होना। फिर उसके बाद है बेसिक प्रीमाइसिस ऑफ किसके मॉडल की है, पैंक के मॉडल की, ये पेज नंबर 280 के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये एक टिपिकल सा यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फ्लो डायग्राम, फ्लो चार्ट टाइप में कुछ दिया हुआ है, मैं जानता हूँ पल्ले नहीं पड़ेगा ये, छोड़ सकते हैं आप इसको, ठीक है। एक बार आप इसको गो थ्रू कीजिएगा, समझ में आए तो अच्छी बात है, वेल एंड गुड, अदरवाइज हम हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। पेज नंबर 284, पेज नंबर 284 में जो वुड मॉडल ऑफ स्लोप एवोल्यूशन है, पढ़ लीजिए आप इसको पूरा एक बार, ठीक है। वैसे तो मैंने इसके नोट्स बना रखे हैं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें पढ़ने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा हो गया आपका रीडिंग कंटेंट, मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन क्या करें भाई, बिना मेहनत के फल थोड़ी ना मिलता है, ठीक है। पेज नंबर 286 कंप्लीट पढ़ना है, 287 कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है। हाँ, इसके आगे के कुछ नहीं करना है। देखिए लास्ट जो आपको रीडिंग करनी है ना, पेज नंबर 287 तक करनी है, और वो भी कहाँ तक करनी है, ये जो है ना हिल स्लोप एवोल्यूशन, वहाँ तक करना है। इसके आगे जो डायग्राम है, डायग्राम के नीचे जो कुछ लिखा हुआ है उसके आगे मत कीजिएगा, लास्ट आपका 287 तक आपको करना है, यानी कि 284, फिर उसके बाद 285 में तो डायग्राम ही है, फिर उसके बाद आपका आता है 286, इसके अंदर फिर दोबारा क्या दिया हुआ है,
हिल स्लोप साइकिल थ्योरी ऑफ किंग, बस पढ़ना है, ये आता नहीं है हिल स्लोप साइकिल, ठीक है, ये आता नहीं है, पढ़ना है आपको। क्यों पढ़ना है? सीधा ओशनोग्राफी में काम आएगा। कहाँ गया भाई? हाँ अच्छा, 282 में मैंने आपको कुछ बताया है मार्किंग में? नहीं बताया। तो आपको करना क्या है, ये जो दो डायग्राम देख रहे हैं ना, पहला और दूसरा, ये करना है, तीसरा नहीं करना। कहाँ गया भाई ये? हाँ ये वाला नहीं करना आपको, ठीक है, आपको क्रॉस का साइन दिख रहा है ना, और ये आपको लाइनें अंडरलाइन दिख रही है, मैं समझ गया आपको राइटअप अच्छे से दिखाई नहीं गया क्योंकि फोकस इसके ऊपर है कैमरे का, बोर्ड के ऊपर, ठीक है, HD कैमरा ऐसा नहीं है भाई कि दिखाई ना दे। उसके बाद अगर आप देखें जो अभी मैंने बताया ना, डायग्राम नहीं करना, बिल्कुल उसके सामने ही एक पैराग्राफ लिखा है, वो एक बार आप पढ़ लीजिए, बस यहाँ पे आपकी होती है मार्किंग कंप्लीट हिल स्लोप से रिलेटेड, ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कर लीजिएगा इसको एक बार, ठीक है। अभी हम कहाँ पे आते हैं अपने यहाँ पे, हाँ बिल्कुल सही, देखिए जो जो चीज़ें हमने देखी है यहाँ पे मैंने क्या किया है, डायग्रामेटिक फॉर्मेट में आपके लिए लगा दिए हैं। बताइए डायग्राम को देख के कुछ चीज़ें समझ में आ रही है, कोई आपको ऐसा पॉइंट है समझ में नहीं आया हो? देख लीजिए, जो ये सबसे इस तरफ है ना, जो तीन डायग्राम ऊपर नीचे आपको वी शेप फिर यू शेप फिर, ये किसके हैं? ये WM डेविस के हैं। फिर उसके बाद जो उसके ऊपर दिख रहे हैं एक अलग से, वो स्लोप रिप्लेसमेंट को शो कर रहे हैं, यानी कि पैंक के बारे में, और ये भाई साहब जो LC किंग से रिलेटेड जो है उसको डिपेक्ट कर रहा है, ठीक है। हाँ ये डायग्राम मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लगा यहाँ पे। अब देखिए हो क्या रहा है इन जो पर्टिकुलर डायग्राम से, ये इनके बारे में समझाना क्या चाह रहे हैं। अब आप एक चीज देखिएगा, आप जो आज की डेट में क्या देख रहे हैं, पहाड़ देख रहे हैं, ठीक है, उसका कोई स्लोप देख रहे हैं। अब वो पास्ट में कैसा था, अब वो पास्ट में कैसा था और वो आज कैसे क्यों बना है, उसकी पूरी प्रोसेस को इन डायग्राम्स की मदद से आपको समझाया जाता है। जो सबसे पहली लाइन है ना वो क्या दिखाती है, इसके इनिशियल स्टेज को, और जो उसके बाद की जो लाइनें हैं ना वो क्या दिखा रही है, ऐसे ऐसे प्रोसेस हुआ होगा, ठीक है, और जो लास्ट की लाइन है वो क्या शो कर रही है, आज जो अभी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, समझ में आ गया ना। ये अलग अलग ये चार लाइनें एक साथ क्यों दिखाई जाती हैं, ठीक है, क्योंकि फिर चार अलग अलग डायग्राम बनाएंगे तो समझ में नहीं आता। चलिए फिर उसके बाद आता है पिगमेंट क्या होता है, ये बिल्कुल सिंपल सा है, एक बार आप इसको पढ़ लीजिए, 5 से 7 डिग्री का जेंटल स्लोप होता है इसके अंदर, ठीक है। ये अच्छा मैं आगे आ रहा हूँ इसके, ये दिख रहा है पिगमेंट क्या होता है, ठीक है, इसी की बात मैं आपको बता रहा था, जिसको कॉनकेव स्लोप बोला जाता है, ये वही पार्ट है, ठीक है। आगे मेरा गला अभी थोड़ा सा बैठ रहा है तो एक मिनट, हाँ ठीक है। इट डेवलप्स व्हेन शीट ऑफ रनिंग वाटर वॉश आउट, यानी कि ये कब बनेगा, जब नदी आ रही है, बिल्कुल ये जो आपको बुक दिख रही है ना, बुक के ऊपर ये एक नदी बहती हुई दिख रही है, ये जब नदी आती है अपने साथ क्या करेगी, सेडिमेंट को बहा के ले जाएगी और क्या बनाएगी, कॉनकेव शेप बनाएगी, ठीक है, पेडमेंट किस जगह पर, और फिर उसके बाद है किस किस जगह पे बनते हैं, फॉर्मेशन जोन कौन सा है, पढ़ लीजिए एक बार, लेक्चर आई थिंक ऑलरेडी 1 घंटे का ऊपर चला गया है ये, ठीक है, ये बस मैं आपको डायग्राम दिखा के ख़त्म करता हूँ, ये एक मिनट रुक जाइए मैं यहाँ पे रख लेता हूँ अपने आप को। इसके बाद आता है इरोजन बाय स्ट्रीम, ठीक है, ओके सो हम कहाँ पे थे, हाँ बीच में मैंने वीडियो रोकी है। देखिए अभी तक जो हमारी लास्ट जो स्लाइड थी उसके अंदर हम क्या देख रहे थे, फॉर्मेशन ऑफ ए जोनल पेडिमेंट। अब यहाँ पे देखिए बेसिकली अब क्या करने वाले हैं, पूरे प्रोसेसेस जो होते हैं उनको क्या करने वाले हैं, हम थोड़ा सा डेप्थ में डिटेल में थोड़ा सा गहराई में देखने वाले हैं। अब ये प्रोसेस मतलब कि क्या, याद कीजिए जो हमने स्लोप के बारे में बात की थी, प्रोसेस कौन से थे, बिल्कुल अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, प्रोसेस के बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखिए इरोजन बाय स्ट्रीम, अब ये स्ट्रीम मतलब भाई नदी की ही बात हो रही है, ठीक है, धारा जिसको बोला जाता है। अब जो इरोजन है या तो थोड़ा सा होगा या फिर पूरी की पूरी जो सरफेस है ना ऊपर की लेयर वो हट जाएगी, उसको क्या बोला जाता है, शीट इरोजन, ठीक है, क्या बोला जाता है, शीट इरोजन। नीचे देखिए लिखा भी हुआ है द रिमूवल ऑफ थिन लेयर ऑफ सरफेस मटेरियल, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, शीट इरोजन, पूरी एक बार आप पढ़ लीजिए क्या लिखा है आपके लिए। उसके बाद होता है रिल इरोजन, ये बेसिकली पार्ट है आपका GS का, लेकिन यहाँ पे
इसको क्या बोलते हैं कि जीएस का अगर यहाँ पे मैं ना बताऊँ थोड़ा सा गैप रह जाएगा आपके अंडरस्टैंडिंग में, इसलिए मैंने जीएस के पार्ट को भी यहाँ पे क्या कर दिया है, क्लब कर दिया है। तो देखिए सबसे पहले हुआ शीट इरोजन। शीट इरोजन में क्या हुआ है, ऊपर के सरफेस की बहुत ही थिन लेयर जो सैंड है उसके ऊपर एक थिन लेयर होती है वो हटी है, वो क्या कहलाई है शीट। रियल इरोजन क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ न्यूमरस माइन्यूट क्लोज स्पेस चैनल रिजल्टेड इनटू, बताता हूँ क्या। यहाँ पे देखिए स्क्रीन के ऊपर देखिए ये क्या है, एक जमीन है ठीक है, यहाँ से पानी बहा तो पानी का क्या होता है इम्प्रिंट पड़ जाता है। देखा है आपने कभी जब पानी जो आपकी मिट्टी होती है, मिट्टी के ऊपर से जब पानी जाता है तो इम्प्रिंट रह जाता है उसका, बिल्कुल इसी तरीके से आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे भी पानी का इम्प्रिंट देखने को मिलेगा। रियल इरोजन क्या होता है, न्यूमरस इम्प्रिंट आपको देखने को मिलेंगे जो रिवर चैनल है ठीक है, ये क्या कहलाएगा आपका रियल इरोजन। और ऐसा नहीं है कि सिंपल ऐसी लाइन ही होगी, अरे कभी कभी इतनी गहराई तक भी आपको क्या देखने को मिलेगा जो सैंड है वहाँ से हट चुकी है। कैसे हट चुकी है, ड्यू टू द एनर्जी विच इज हैविंग वाटर ठीक है, जब पानी मूव करता है उसके साथ एक काइनेटिक एनर्जी होती है ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट आता है इंसेलबर्ग ठीक है। इंसेलबर्ग क्या होते हैं, इंसेलबर्ग होते हैं स्मॉल राउंडेड हिल, और ऊपर से देखिए किस तरीके की इसकी जो शेप होती है डायग्राम होते हैं किस तरीके के होते हैं, और बेसिकली होते क्या हैं ये इरोजनल रेमिनेंट। इरोजनल रेमिनेंट क्या होते हैं, इसके आसपास का जो भी मटेरियल था वो इरोड हो चुका है लेकिन ये बना है टफ रॉक से, तो ये क्या हुआ, इरोड नहीं हुआ है ठीक है, तो इसलिए इसका क्या नाम दिया है, इरोजनल रेमिनेंट ठीक है। चलें आगे, चलिए ये इसके फर्दर कुछ एग्जांपल्स हैं इंसेलबर्ग के ठीक है। स्टीप साइडेड माउंटेन, ये कहाँ पे है, यूएस का ठीक है, उसके साइड में अगर आप देखेंगे ये इंसेलबर्ग है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। मैंने बोला था कि जो ये यहाँ पे एलसी किंग ने अपने क्या निकाली है, थ्योरीज निकाली थी कि कुछ इस तरीके के आपको लैंडफॉर्म दिखेंगे, स्लोप दिखेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ आपको पर्टिकुलर लोकेशंस वही दिखती हैं, ऑल ओवर नहीं मिलेंगे। अब देखिए जितना भी हमने यहाँ पे पढ़ा वो डिजास्टर मैनेजमेंट, एक घंटे पहले मैंने आपको बताया था कि जो स्लोप है हम क्यों पढ़ते हैं, ताकि डिजास्टर मैनेजमेंट को क्या कर सके हम, जो भी लाइफ लॉसेज हैं ठीक है, इकोनॉमिक लॉसेज है उसको मिनिमल कर सके ठीक है। तो यहाँ पे जो डिजास्टर मैनेजमेंट है इसके अंदर अभी हमारा मेन काम क्या है, देखिए यहाँ पे ये समझना कि मास मूवमेंट होता क्या है ठीक है। तो ये चार पॉइंट है जो भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। अब देखिए पिक्चर के अंदर क्या दिख रहा है, अरे पूरे हाईवे के ऊपर देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर हैं ठीक है। व्हाट इज मास मूवमेंट ठीक, मास मूवमेंट होता है जब फ्लो ऑफ सॉइल या फिर रॉक पार्टिकल इन मास अमाउंट ठीक है, मास मूवमेंट कहलाता है। जो ये मास मूवमेंट होता है उसके पीछे का रीजन क्या है, पानी या आइस या हवा ठीक है। और यहाँ पे साइड में एक देखिए डायग्राम आपको दिख रहा है, तो मैं अपने आपको यहाँ से ना क्या करता हूँ थोड़ा सा इधर ठीक है। तो इधर देखिए यहाँ पे मास मूवमेंट किस वजह से हुआ है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से। और ये ग्रेविटेशनल अट्रैक्ट पहले क्यों नहीं खींच पाया, अरे भाई रिसेंटली अभी बारिश हुई होगी, वहां पे बारिश हुई तो यहाँ पे क्या हुआ, पानी एब्जॉर्ब कर लिया गया स्लोप के थ्रू। अब पानी स्लोप ने एब्जॉर्ब, जो स्लोप है उसने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया, पानी की टेंडेंसी क्या है, फ्लो करने की। अब पानी की क्वांटिटी इतनी ज्यादा हो गई कि जो वहां पे क्या था सॉइल पार्टिकल से वो भी साथ के साथ फ्लो करने लग गए। और पीछे देखिए स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा है एक पूरी की पूरी लेयर क्या हो रही है, फ्लो हो रही है। इसी को क्या कहा जाता है, मास मूवमेंट, यानी कि इट इज द मूवमेंट ऑफ सरफेस मटेरियल कॉज बाय ग्रेविटी ठीक है। दूसरा नाम इसका लैंडस्लाइड है, अगर आप अभी तक कंफ्यूज हो रहे हैं ना मास मूवमेंट के नाम से, इसी को लैंडस्लाइड बोल रहे थे। लैंडस्लाइड एंड रॉकफॉल आर एन एग्जाम्पल ऑफ सडन मास मूवमेंट। रॉकफॉल ये होता है, देखिए सबसे ऊपर वाली पिक्चर देखिए क्या पत्थर दिख रहे हैं ना, इसी को रॉकफॉल बोला जाता है ठीक है। चले आगे, मास मूवमेंट समझ में आ गया। ये फाइनल आपके लिए यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे मैंने प्रोवाइड की हैं कि फ्रिक्शन क्या होता है और एनर्शिया क्या होता है। देखिए एनर्शिया होता है किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए इनिशियल जो फोर्स चाहिए वो क्या कहलाता है, एनर्शिया कहलाता है। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं एक गाड़ी बनाता हूँ ठीक है, गाड़ी जब रुक जाती है, जैसे पुरानी गाड़ियाँ आपने देखी होंगी ना, आपकी कभी बाइक भी पुरानी होगी वो रुक जाती है तो क्या बोलते हैं, अरे भाई पीछे से धक्का मारो। वो धक्का क्या करता है भाई, वो इनर्शिया होता है, यानी कि वो मोमेंटम प्रोवाइड करता है, वो स्पीड प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से वो गाड़ी है किस में आती है, मोशन के अंदर आती है ठीक है।
ठीक है, सबसे ज़्यादा जो ताकत लगती है गाड़ी को जो धक्का मार के बिल्कुल जो बोलते हैं ना स्टार्ट करने का जो होता है पोजीशन, उसमें सिंपल सा अगर आप ये समझे रेस्ट से मोशन में लाने में सबसे ज़्यादा जो फोर्स है वो लगती है, ताकत लगती है। ठीक है, एक मिनट। ओके, तो फ्रिक्शन समझ में आ गया आपको, इनर्शिया समझ में आ गया, अब आगे चलते हैं। ग्रेविटी का रोल क्या होता है एक बार आप पढ़ लीजिए, काफ़ी मैंने आपको डिटेल में पहले भी बता दिया है। ठीक है, शेयर स्ट्रेंथ, कोहेशन क्या होता है, एंगल का क्या रिस्पांस होता है, भाई जितना ज़्यादा स्टीप एंगल होगा ग्रेविटी उतनी जल्दी अट्रैक्ट करेगी और जो फ्लो है वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, तीव्र होगा यानी कि फास्ट होगा। ठीक है, ये अलग अलग टाइप के हैं, कहाँ कहाँ पे आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे, कहीं पे आपको जो स्लोप है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है मतलब स्टीपनेस के तौर पे। ठीक है, तो उसके हिसाब से ये एक पूरी प्रोफाइलिंग कर रखी है, आप इसको देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, मैं एक बार अपने आप को क्या कर लेता हूँ, गायब कर लेता हूँ ताकि आपको पूरे डायग्राम अच्छे से दिख पाए। मैं हो गया गायब, देख लीजिए आप इसको एक बार। ओके, क्या मैं आ जाऊँ वापस, आ गया। चलिए करें फिर आगे अपना काम स्टार्ट। ये है आपका जो इंपॉर्टेंस है वाटर का मूवमेंट के लिए। ठीक है, यहाँ पे तीन अलग अलग क्या लगाए हैं, डायग्राम लगाए हैं। सबसे पहली जो यहाँ पे पिक्चर है वो शो कर रही है विदाउट वाटर, फिर उसके बाद जैसे पानी आता है, पानी क्या करता है जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में घुस जाता है, जिसकी वजह से क्या है अगर पानी ने फ्लो करना स्टार्ट किया जो पार्टिकल्स हैं वो भी फ्लो करना स्टार्ट कर देती हैं। नेक्स्ट, ये टाइप ऑफ मूवमेंट है, देख लीजिए एक बार। ठीक है, नेक्स्ट सॉइल क्रीप क्या होती है, देख लीजिए एक बार। सॉइल क्रीप के होने के पीछे का कारण क्या है, सॉइल क्रीप बेसिकली ये होता है कि अगर आप कभी देखेंगे ना जो पहाड़ी के ऊपर खंभे लगाए जाते हैं, जो पहाड़ी के ऊपर खंभे होते हैं वो हमेशा इस तरीके से वर्टिकल लगाए जाते हैं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद देखा ये गया है कि जो खंभे हैं वो इस तरीके से होते हैं। ठीक है, यानी थोड़े से टेढ़े होते हैं। रीज़न क्या है भाई, जिस मिट्टी के ऊपर उनको लगाया गया है यानी कि जिस जगह से मिट्टी को हटा के मिट्टी के अंदर उनको लगाया गया है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हुआ है, ऐसे स्लोप था। अब जो यहाँ पे देखिए सब कुछ इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, अगर बिल्कुल स्पीड से मिट्टी जा रही है वो कहलाएगा लैंडस्लाइड। ठीक है, अगर जैसे पानी बह रहा है उस तरीके से मिट्टी जाती है उसको बोला जाता है मड फ्लो। ठीक है, सॉइल क्रीप क्या होती है, इतनी धीरे जाती है नहीं पता चलता, लेकिन पता तब चलता है जब उसके ऊपर रखी हुई कोई स्ट्रक्चर ऐसे झुक जाती है, तब पता चलता है कि भाई यहाँ पे जो मिट्टी है वो मूव कर रही है। ठीक है, इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है, इसी के हिसाब से उनके अलग अलग नाम रखे गए हैं। आई होप आपको ये सॉइल क्रीप समझ में आ गया, उसके पीछे का रीज़न क्या है ये भी यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने आपको बहुत ईजी लैंग्वेज में समझा दिया। ठीक है, अच्छा मैं गायब हूँ यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ताकि आप समझ पाएं, देख लीजिए इफेक्ट क्या है सॉइल क्रीप का, कॉज क्या है बता दिया है मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज के अंदर, अब मैं वापस आ गया हूँ। ठीक है, टेक्नोलॉजी का यही तो थोड़ा सा फ़ायदा होता है कि समझाना बहुत आसान हो जाता है। फिर है सॉलिफ्लुक्शन, इसके अंदर क्या होता है जो पूरा सॉलिड पार्ट है वो क्या करता है मूव डाउन मतलब नीचे की तरफ क्या करना स्टार्ट कर देता है, मूव करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, देखिए इट इज़ द अरे क्या बोलते हैं, एक मिनट रुकिए, इसको मैं और सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। अच्छा, जो अभी मैंने आपको सॉइल क्रीप समझाया ना बिल्कुल एग्जैक्ट उससे मिलता जुलता ही है इसके अंदर, लेकिन क्या होगा परमानेंट फ्रोजन सब सरफेस होगी। ठीक है, क्या होगा इसके अंदर परमानेंट फ्रोजन सब सरफेस। ठीक है, कौन से एरिया में, अरे जैसे आपका आर्कटिक हो गया, आर्कटिक जैसे कि आपका रशिया के ऊपर का जो एरिया हो गया अंटार्कटिक हो गया, ये वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सॉलिफ्लुक्शन। ये जब हम वो करेंगे ना कौन सी ग्लेशियल टाइप ऑफ टोपोग्राफी पढ़ेंगे उसके अंदर आएगा है सॉलिफ्लुक्शन, तब भी मैं आपको बता दूंगा। लैंडस्लाइड समझ में आता है हर किसी को। चलिए उसके बाद रॉकफॉल, मैंने पिक्चर बता दी थी। ठीक है, मतलब जो अरे पिक्चर मूवी नहीं फोटो की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, रॉकफॉल बता दिया, फिर उसके बाद मड फ्लो क्या होता है ये मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बता दिया, सिंपल सी ये सिर्फ इंटेंसिटी है किसकी क्या इंटेंसिटी है। फिर उसके बाद स्लम्प क्या होता है, स्लम्प बेसिकली ये होता है जब जो आइस है वो क्या करती है मेल्ट होना स्टार्ट होती है ना। ठीक है, वहाँ पे ये बनता हुआ दिखेगा, या फिर ये होता है उसके नीचे जो मिट्टी है उसके नीचे क्या होता है, मान लीजिए आपने वो
कोई लैंड है उसके नीचे आपको क्या मिला है, पानी मिला है, आपने पानी को एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया, जो ग्राउंड वाटर है उसको एक्सट्रैक्ट आउट कर लिया, अब क्या हुआ, खाली हो गया, अब एकदम से जो मिट्टी है पूरी नीचे बैठ जाएगी, ठीक है। यही आपका उसमें देखने को मिलता है जहाँ से आप क्या निकालते हैं, कोयला नहीं नहीं ऑयल, ऑयल ठीक है, क्रूड ऑयल जहाँ से निकाला जाता है। उसके बाद है क्या क्या चीज़ें ट्रिगर करती हैं अर्थक्वेक, यस जो पावरफुल हॉर्न्स है वो भी ट्रिगर करते हैं, जब बॉम्ब के थ्रू एक्सप्लोड किया जाता है तब भी ये एक ट्रिगर पॉइंट का काम करता है। उसके बाद जब किसी एरिया के अंदर पॉपुलेशन का बर्डन ज़्यादा हो जाता है तब भी ये ट्रिगर पॉइंट का काम करता है, और जब ज़्यादा बारिश होती है तब भी ये ट्रिगर पॉइंट का काम करता है। ग्लोबल वार्मिंग ट्रिगर पॉइंट का काम कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग ट्रिगर पॉइंट का काम कैसे कर रहा है, अरे बारिश बहुत जल्दी जल्दी होने लग गई ना अभी, ठीक है। तो ये सारे क्या हैं, ट्रिगर पॉइंट का काम कर रहे हैं। उसके बाद हाँ ये एक बार देख लीजिए आपकी सेल्फ स्टडी के लिए है। फिर उसके बाद डेवलप होती है बैड लैंड टोपोग्राफी, ठीक है। बैड लैंड टोपोग्राफी क्या होती है, जिसके ऊपर ना तो आप कोई बिल्डिंग बना सकते हैं और ना ही उसको लेवल करके आप कोई वहाँ पे स्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। बैड लैंड्स आर द टाइप ऑफ ड्राई टेरेन वेयर सॉफ्टर एंड सेडिमेंटरी रॉक्स एंड क्ले सॉइल हैव बीन इरोडेड बाय द विंड एंड वाटर, ठीक है। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये बैडलैंड टोपोग्राफी का ही है, ठीक है। स्टीप स्लोप, मिनिमल वेजिटेशन, वेजिटेशन आपको यहाँ पे पता किस तरीके की मिलेगी, जो जीरो फाइटिक टाइप ऑफ होगी ना वो मिलेगी। जीरो फाइटिक टाइप ऑफ क्या होती है, जो रेगिस्तान में उगती है, जैसे आपका कैक्टस हो गया या फिर एलोवेरा हो गया या फिर अकेशिया हो गया, अरे कीकर जिसको बोलते हैं, या फिर आजादी रखता इंडिका, नहीं वो नहीं मिलेगा, यानी नीम का पेड़ यहाँ पे नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि नीम को थोड़ा सा पानी चाहिए होता है, ठीक है। ये सेमी एरिड कंडीशन में जो नीम है ना वो मिल जाता है, वहाँ पे नीम मिल जाएगा, साइंटिफिक नेम है इसका आजादी रखता इंडिका। उसके बाद या आगे जो बैडलैंड टोपोग्राफी है, ऐसा आपको देखने को मिलेगा कि क्या बोलते हैं, जो ऊपर की टॉप लेयर होती है ना वो इतनी ज़्यादा इरोड हो जाती है कि वहाँ पे ना तो आप प्रॉपर वेजिटेशन कर सकते हैं ना तो वहाँ पे प्रॉपर सेटलमेंट हो पाएगी, ठीक है। कंपोजिशन क्या होते हैं एक बार देख लीजिए, जो अपर लेयर होती है 1 से 5 सेंटीमीटर, उसके अंदर सिल्ट, सेल, सैंड, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन होता है पूरा यहाँ से मूव आउट हो जाता है, ठीक है। फॉर्मेशन देख लीजिए इसके एक बार, चलो आगे, ओके ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, ये हम फिर दोबारा आगे पहली ही स्लाइड के ऊपर। तो चलिए आज का जो लेक्चर था क्या था, बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर था। कैसे बहुत ही इंटरेस्टिंग था, इसके अंदर हमने क्या किया, पास्ट के लेक्चर्स को कनेक्ट किया, यानी लैंडफॉर्म डेवलपमेंट के साथ हमने किसको देखा, स्लोप डेवलपमेंट को। देखिए स्लोप डेवलपमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन जितने मेरे पास जो टाइम लिमिट थी उस टाइम लिमिट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें बता दी, स्लोप डेवलपमेंट की जो मेजर चीज़ें थी वो मैंने कवर करवा दी, और बाकी की मैंने आपको मार्किंग करवा दी है, ठीक है। इसके अंदर देखिए जो वुड था वो मैं आपको अच्छे, यहाँ पे मेरे पास समय नहीं बचा कि मैं आपको उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल और डेप्थ में जाके बताऊँ, ठीक है। अब आपका काम क्या है, लेक्चर खत्म हो गया है, रीड कीजिए, रिपीट कीजिए और रिवाइज कीजिए, और मैं आपसे लेता हूँ विदा। मेरा नाम है तेज और हम मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक आप पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, ठीक है। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार।